हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? देखो, आज हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन एस टू रिवाइज्ड आज हमें करना है। बहुत सिंपल सा एस है, कुछ है नहीं इसके अंदर में। लिखिए मेरे साथ यहां पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एस टू रिवाइज्ड। आज जरा देखते हैं ये एस टू क्या बोलता है और रिवाइज्ड क्या है, कैसे कैसी बातें कहेगा। थोड़ा सा लिखेंगे आप मेरे साथ, थोड़ा सा लिखेंगे आप। जब बोलूं तो लिखना शुरू करेंगे, जब बोलूं तो बंद करना। पहले लिखो जरा ये एस बोलता क्या है, लिखेंगे मेरे साथ। पॉइंट नंबर वन लिखेंगे यहां पे, पॉइंट नंबर वन लिखना। एस टू इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है ये कंपल्सरी है। इन नेचर, इन नेचर टू या फॉर ऑल एंटिटीज, जितने भी एंटिटीज हैं, चाहे वो कंपनीज हो, पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, सबके लिए कंपल्सरी। बच्चे आपको ये लिखेंगे फुल स्टॉप इसके आगे। अकॉर्डिंग टू एस टू लिखिए यहां पे, अकॉर्डिंग टू एस टू कहता है कि इन्वेंट्रीज आर, इन्वेंट्रीज आर, इन्वेंट्रीज इन्वर्ट को हम डाल देते हैं, आर एसेट्स, एसेट्स लिखेंगे नंबर ए, नंबर ए, हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर क्या मतलब हुआ अभी बताऊंगा, आप लिखो पहले थोड़ा सा, फिर मैं इस चैप्टर का डिस्कशन करूंगा। बी लिखेंगे यहां पे, बी इन द प्रोसेस ऑफ, इन द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स, सच गुड्स लिखेंगे या सच सेल कर दो आप, सेल से हमने लिंक करना, सच सेल, सच सेल। नंबर सी, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन, इन द प्रोडक्शन, इन द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स, सच गुड्स including, including loose tools, loose tools and spare parts, and spare parts। सर मतलब अभी बताता हूं, लिखो आप यहां पे, पहले आपका लिखेंगे आप यहां पे पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू लिखिए यहां पे, फॉलोइंग आर, फॉलोइंग आर excluded from AS2। हम AS2 से इनको एक्सक्लूड करते हैं, मतलब ये हमारे AS2 में कवर नहीं होगा। सर कौन कौन सा नाम, तो नंबर ए लिखे आप यहां पे, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। साथ साथ लिखना आपने, साथ साथ लिखना है, थ्योरी पढ़ने का भी एक तरीका होता है, मैं आपको बताऊं क्या। साथ साथ लिखिए मेरे साथ, स्टॉक ऑफ सिक्योरिटीज, स्टॉक ऑफ सिक्योरिटीज, स्टॉक ऑफ सिक्योरिटीज आगे ब्रैकेट में, फॉर एग्जाम्पल आपका शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। सी में लिखेंगे आप यहां पे, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए एक्सेट्रा। डी लिखेंगे आप यहां पे, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक जानवर को बोलते हैं बच्चे हम लोग। और ई में लिखेंगे आप यहां पे, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन पे फॉलो नहीं होगा, जैसे कि मैं हो गया,
मैं सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। फिर लिखेंगे यहां पे एफ में मशीनरी स्पेयर्स, मशीनरी स्पेयर्स हुज, लिखेंगे मशीनरी स्पेयर्स या विच कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक मशीन। तो ये चीजें आपको यहां पे बताई गई हैं। आप लिख दो यहां पे, लिखेंगे आप यहां पे नंबर ए एंड नंबर बी। आइए जरा हम इसको समझते हैं ये क्या बोलना चाहता है। आप प्लीज यहां तक पहले कॉपी कर लें, हो गया आपका यहां पे सर? हां सर हां। देखो ये कहता है एस टू आपको कि एक तो ये फॉलो किया जाएगा ऑल एंटिटीज द्वारा, जितने भी होते हैं, चाहे कोई भी हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, सभी किया जाएगा। कहता है कि एस टू में इन्वेंट्री का मतलब होता है वो गुड्स जो हमने हेल्ड फॉर सेल, बेचने के लिए रखा है। हेल्ड फॉर सेल का मतलब क्या होता है? बेचने के लिए। पर बच्चे हम इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो वो सारे गुड्स जो हमने अपने पास रखे हैं बेचने के लिए, और हाँ वो बेचने के लिए जो गुड्स रखे गए ना वो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होने चाहिए। मतलब जिसमें मैं डील करता हूं, मेरा ऑर्डिनरी कोर्स क्या है? मान लो मेरा काम मार्कर बनाना और बेचना है, तो मार्कर बनाना और बेचना मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है बच्चे, इसी काम में मैं डील कर रहा हूं। अगर एक आदमी मान लो कि आपका कैलकुलेटर बनाता है, तो कैलकुलेटर का जो स्टॉक होगा वो ऑर्डिनरी कोर्स, मतलब जो रूटीन में जिस काम को करते हो उसके स्टॉक को अगर आपने रखा है हेल्ड फॉर सेल बेचने के लिए, वो इन्वेंटरी आपका होगा। एक्चुअली ये कहना चाहता है, इसका मतलब है आपका, लिख दो यहां ब्रैकेट में यहां पे फिनिश गुड्स। ये फिनिश गुड्स जो है जिनमें हम डील कर रहे हैं उनकी बात कहता है। फिर कहता है कि इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, जिनको सेल करने के लिए हमने रखा है, इनके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि जो प्रोडक्शन में अभी बीच में प्रोसेस में, हम इनको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में आपका यूज होगा, या फिर आपका कह दिया रॉ मटेरियल जो आपके हैं, हाँ इंक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये सारे हमारे इन्वेंट्री के अंदर कवर किए जाएंगे। देखो कितने साफ साफ शब्दों में बताया गया है इन्वेंट्री का मतलब, एक तो हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि फिनिश गुड्स हो गया। अगर मान लो मैं इस मार्कर को बना रहा हूं और मार्कर मेरा अभी बनके तैयार नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, ये रॉ मटेरियल भी नहीं है बच्चे, फिनिश भी नहीं है, इनकम्प्लीट है, वो भी इसमें कवर किया जाएगा, वो भी हमारा इन्वेंट्री माना जाएगा, जिसको हमने वर्क इन प्रोग्रेस का नाम दिया। फिर कहते हैं कि रॉ मटेरियल, यानी कि अगर मैं इसको बनाने के लिए जो मेरे इंक पड़े हुए हैं, जो मेरे प्लास्टिक पड़े हुए हैं, जो मेरे इसमें कवर पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे यहां पे क्या होगा, इन्वेंटरी में कवर किया जाएगा। सबसे अच्छी बात लास्ट का दो वर्ड आपको कहता है कि लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स इसमें आएगा। सर ये लूज टूल्स स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं मेरे बच्चे? वो स्पेयर पार्ट्स, वो लूज टूल्स मतलब जो फ्रीक्वेंटली यूज होगा। अब देखो ना, नट वोल्ट हो गया, नट वोल्ट आपका हो गया, आप देखो पेचकस आपका हो गया, तो ये नट वोल्ट जो होते हैं, पेचकस जो होते हैं, स्पेयर पार्ट्स, छोटे छोटे जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ये सारे इसके अंदर में कवर किए जाएंगे, ये इन्वेंटरी के अंदर ही कवर किया जाता है। हाँ उन्होंने फिर कहा कि इनको हम इन्वेंटरी के डेफिनेशन से हटाएंगे, उन्होंने नाम दिया जी एक आपका क्या, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। अगर मान लो बिल्डिंग कोई बना रहे हो आप, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो आपका इन्वेंटरी नहीं कहा जाएगा। सर इसका क्या मतलब है, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो एक बिल्डर है मेरे बच्चे, एक बिल्डर है, अगर मान लो वो बिल्डर एक बिल्डिंग बना रहा है, सुनना मेरी बात, मैंने क्या बताया, एक बिल्डर जिसका काम ही बिल्डिंग बनाना है, तो वो बिल्डिंग उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। अगर एक बिल्डर बिल्डिंग को अपना स्टॉक दिखाएगा तो चलेगा, क्योंकि उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। लेकिन मान लो मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, अपने अपने घर के लिए, अपने यूज के लिए या अपने बिजनेस के लिए, तो मेरा काम बिल्डिंग बना के बेचना नहीं है, मेरा काम मार्कर बना के बेचना है। अगर मैं बिल्डिंग बना रहा हूं बच्चे और वो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो इस एस टू में कवर्ड नहीं होगा। बात समझिए, अगर मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूं तो वो इसमें कवर नहीं होगा, क्योंकि जो बिल्डिंग मैं बना रहा हूं मेरे बच्चे, वो हमारा एस टेन में कवर होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो मेरा फिक्सेड्स आपका है, वो फिक्सेड्स आपका है। तो ध्यान रखना कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कहने का मतलब है किसके लिए, जो जो एक जिसका काम बिल्डिंग बनाना नहीं है उनके लिए बात की गई है।
ठीक है ना। फिर कहता है कि स्टॉक ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स डिबेंचर, आप जानते हैं कि इसमें हमारा एस 13 लगता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इसलिए इसमें वो कवर्ड नहीं होगा। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइव स्टॉक है, सर्विस प्रोवाइडर, मैं देखो एजुकेशन की सर्विस आपको दे रहा हूं, तो मेरे ऊपर में इन्वेंट्री वैल्यूएशन फॉलो नहीं किया जाएगा। मैं कौन सा इन्वेंट्री जरा बताओ कहां रखूंगा, ये कोई है नहीं। और कोई भी ऐसा मशीनरी स्पेयर्स जिसका यूज जो है ना किसी स्पेसिफिक मशीन को लेकर है, ध्यान रखना दो तरीके की बात है। अगर मान लो मशीन के स्पेयर पार्ट्स जिनका फ्रीक्वेंट नटवोल्ट होता है, यहां लगा दो वहां लगा दो वहां लगा दो, वो तो आपका एस टू में जाएगा। लेकिन कोई ऐसा मशीन का कोई स्पेयर पार्ट्स है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही मशीन में यूज होगा, उसका यूज आप फ्रीक्वेंट नहीं कर सकते, आप यहां से वहां नहीं कर सकते, वो किसी एक मशीन में ही आपका यूज होगा। मेरे बच्चे ऐसे जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो आपका एस टू में नहीं, इनका जो वैल्यूएशन होता है, लिख दो ब्रैकेट में, इनका जो वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन इज डन, इनका जो वैल्यू हम करते हैं एज पर एस 10, क्योंकि ये भी हमारे फिक्स्ड यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही माने जाते हैं। तो वो मशीन पास जिसका यूज आपका स्पेसिफिक मशीन में ही होगा, आप फ्रिक्वेंटली उसको यूज नहीं कर सकते हो, वो एस 2 से एक्सक्लूड किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि इन्वेंट्री क्या होता है, तो भैया फिनिश गुड्स होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, रॉ मटेरियल होता है, और वो लूज टूल्स या स्पेयर पार्ट्स जिनका यूज फ्रीक्वेंट है, जो फ्रीक्वेंटली यहां से वहां इसमें उसमें यूज किए जा सकते हैं, वो एस 2 में आएगा। इनके सिवाय कोई भी चीज एस 2 में कवर्ड नहीं होगा, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो, चाहे वो आपका मान लो कि कोई लाइव स्टॉक हो, कोई नेचुरल रिसोर्सेज हो, कोई सिक्योरिटी का आपका स्टॉक हो, कोई मान लो कि आपका कोई ऐसा स्पेयर पार्ट जिसका यूज आपका स्पेसिफिक नहीं है, सॉरी फ्रीक्वेंट नहीं है, वो सारे मेरे बच्चे एस 2 से क्या किया गया, हटाया गया है। आई बात समझ में सर? हाँ सर, हाँ ये ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो मैं आपको यहां पर लेकर आता हूं, लिखिए मेरे साथ यहां पे। अब हमें क्योंकि चैप्टर का नाम हमारा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मेरे बच्चे हमें इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, इन्वेंट्री आपका वैल्यू करना है। एक्चुअली इन्वेंट्री को वैल्यू करते समय इनका वैल्यूएशन अलग होता है, ध्यान सुनना, इनका वैल्यूएशन अलग होगा और इनका जो वैल्यूएशन है ना बच्चे वो अलग तरीके से आपका होता है। तो पहले मैं फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन की बात करूं, आपका फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन के बारे में लिखिए, वन एंड टू हो चुका, अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे मेरे साथ, थर्ड पॉइंट यहां पे लिखेंगे आप, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, जो हमारे फिनिश गुड्स हैं यानी कि जो बन के तैयार है और हमारे स्टॉक में पड़े हुए हैं, हम इनको किस तरीके से वैल्यू करेंगे, फिनिश गुड्स आपका लिखेंगे यहां पे डैश देके, अकॉर्डिंग टू एस टू के मुताबिक लिखेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सर इसका क्या मतलब होता है, लिखो दो सब बताऊंगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपका, इसको शॉर्ट में मेरे बच्चे एनआरवी कहते हैं, एनआरवी आपको कहते हैं। तो फिनिश गुड्स को जो वैल्यू किया जाएगा एट लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड एनआरवी, इन दोनों का मीनिंग अभी हम आएंगे डिटेल में, आप चिंता ना करो, लिखो पहले यहां पे इसी के अंदर में नोट लिखेंगे आप मेरे साथ, नोट नंबर ए, थर्ड पॉइंट के अंदर में नोट नंबर ए लिखेंगे आप, यहां पे लिखना एप्लीकेशन ऑफ लोअर वैल्यू इज डन एज फॉलो। इस तरीके से हम ये करते हैं सर, मतलब अभी बताऊंगा, लिखना नंबर वन लिखना आइटम बाय आइटम बेसिस लिखना डैश देके, दिस मेथड इज फॉलोड कॉमा इफ इन्वेंट्रीज कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक। अगर हमारा जो स्टॉक है
वो डिफरेंट तरीके का बच्चे, डिफरेंट तरीके का, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम बाय आइटम बेसिस को फॉलो करेंगे। सर इसका क्या मतलब होता है अभी बताऊंगा, आप लिखो जरा यहाँ पे ब्रैकेट में कर सकते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन ब्रांड आपका साइज एक्सेट्रा। सर इसका मतलब अभी बताऊंगा, लिखो जरा नंबर टू यहां पे। एक तो आइटम बाय आइटम बेसिस हो गया, एक हो गया आपका ग्रुप बेसिस। सर ये ग्रुप बेसिस क्या होता है, लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे दिस मेथड इज फॉलोड इफ इन्वेंट्रीज आर ऑफ सिमिलर नेचर। कहता है कि अगर ये सिमिलर नेचर के तो उस केस में आप यहां पे ग्रुप मेथड को फॉलो करोगे। सर समझाओ ना क्या बोलना चाहते हो, पहले एक काम करो, ये आइटम बाय आइटम बेसिस को करो अंडरलाइन एंड ग्रुप बेसिस को करो अंडरलाइन। देखो इसमें कोई डाउट ना हो, पहले मैं आपको यहां बता दूं कि जब स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को वैल्यू करते हैं तो आप लेते हो लोअर को कीजिए अंडरलाइन यहां पे, किसका जी, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो, और इसका जो एनआरवी है। सर एनआरवी क्या होता है, फिलहाल मान लो आपका नॉर्मली सेलिंग प्राइस आपका, ठीक है ना, मैं इसको बताता हूं, चलो मैं लिखाई देता हूं एनआरवी का मतलब क्या होता है। नोट नंबर टू लिखना, एनआरवी यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट में इवन एग्जाम में भी कहेगा जी एनआरवी, लिखना इज द वैल्यू, या ऐसे लिख दो इज इक्वल टू नॉर्मल सेलिंग प्राइस, जो आपका नॉर्मल सेलिंग प्राइस होता है, इसमें माइनस कर दो ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सेल। बच्चे सेल के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो भी आपके एक्सपेंसेज होते हैं, अगर मैं उसको नॉर्मल सेलिंग प्राइस से माइनस कर दूं, फिर जो आएगा वही आपका एनआरवी होगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सर इसका क्या मतलब होता है अभी बताऊंगा, पहले काम करो, लिखो यहां पे एग्जाम्पल नंबर वन लिखो जरा, मैं इसको समझा दूं इसका मतलब क्या होता है। कहता है कि मान लो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो आपके फिनिश गुड्स हैं, पर बच्चे इनका कहता है कि जो कॉस्ट प्राइस है, लिखिए यहां पे, इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो कहता है कि ₹5 लाख है, 5 लाख रुपए इनकी कॉस्ट है। फिर कहता है कि इनका जो मार्केट प्राइस यानी कि अगर मैं इनको बेचता हूं तो मान लो मुझे 6 लाख का अमाउंट मिलता है, यानी कि अगर इसको बेचूं तो 6 लाख। और मेरे बच्चे कहता है कि देयर इज कमीशन ऑन सेल, मतलब जब मैं इसको बेचूंगा जो जिसके थ्रू बिकवाऊंगा उससे मुझे 10% का मान लो कमीशन पे करना पड़ेगा। कहते हैं कि जो फिनिश गुड्स है उसका कॉस्ट प्राइस कहता है कि 5 लाख है, मार्केट प्राइस यानी कि जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 6 लाख है, और बेचने पे कमीशन कितना पे करना पड़ेगा, 10%। एक बात बताओ, आप ही मुझे बताओ, मैं बात करना चाहता हूं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्या मैं इस फिनिश गुड्स को अगर बेचता हूं तो क्या मुझे पूरे 6 लाख मिलेंगे क्या, आप जरा बताओ, पूरे 6 लाख रुपए मिलेंगे क्या? नहीं सर, नहीं मिलेगा। आप खुद सोचो, 6 लाख में अगर मैं कोई सामान बेचूं और जिसके थ्रू मैंने बिकवाया, अगर उसने हमसे 10% कमीशन ले लिया, तो बताओ हमारे हाथ में कितना आएगा, हमारे हाथ में। सर 6 में से आप 10% माइनस करोगे तो सर आपके पास तो 60 चला गया, यानी कि 540 आया। ठीक बोला बच्चे। देखो सॉल्यूशन में अगर मैं इसका एनआरवी निकालू ना, एनआरवी यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो मैं इसका जो सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन आपको बता रहा है सेलिंग प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस, ये 6 लाख रुपीज, और वो सारे खर्चे जो डायरेक्टली सेल्स से जुड़े हुए हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, यानी कि मैं यहां पे क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा कमीशन ऑन सेल,
मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा कमीशन और सेल, क्योंकि ये एक्सपेंस डायरेक्टली सेल से जुड़ा हुआ है। अगर मैं ये सेल करूंगा तो मुझे कमीशन पे करना ही पड़ेगा, वो कितना बता रहा आपको 60,000 10% के हिसाब से। तो मेरे बच्चे एनआरबी जो हो गया ना वो 5,40,000 का अमाउंट निकल के आ गया, 540। अब मुझे अगर स्टॉक को वैल्यू करना है, जब मुझे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को वैल्यू करना है, तो मैंने आपको कहा हुआ है कि फिनिश गुड्स के स्टॉक को वैल्यू करते समय दो चीजें कंपेयर करते हैं, एक तरफ हम लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस और एक तरफ लेते हैं हम इसका एनआरवी। अब जरा बताओ कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन कितना बता रहा है, सर 5 लैक्स का अमाउंट। अच्छा बताओ एनआरवी कितना लिखूं, क्या एनआरवी में लिख दूं 6 लैक्स? नहीं सर नहीं, आपको तो 540 ही मिलेगा नेट अमाउंट आपका, तो 540। अब मुझे बताओ इस दोनों में से लोअर क्या निकल के आया, क्योंकि हमें जो वैल्यू करना है वो इनके लोअर प्राइस पे करना है। बच्चे लोअर यहाँ पे 5 लैक्स का अमाउंट निकल के आया। लीजिए हमारा इन्वेंट्री वैल्यू हो गया। जब भी आपने इन्वेंट्री को वैल्यू करना है तो कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवरेज लोअर आपका। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो कौन से एक्सपेंसेस यहां लिखे जाएंगे जो प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए होते हैं, तो सोचो ना, आप ही जरा सोचो ना और मेरे साथ बताओ ये कौन से एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं। जैसे कि एक आपका हो गया कमीशन ऑन सेल, सेल पे जो कमीशन पे करे मेरे बच्चे वो हमारे प्रोसेस ऑफ सेल से जुड़ा हुआ खर्च आपका है, तो एक तो आपको वो लिया जाएगा। और कुछ ना बताओ, और कुछ ना बताओ, चलो मैं बात करता हूं आपसे, मैं बात करता हूं। देखो ना, आपने कभी फ्लिपकार्ट का नाम सुना हुआ है? फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, अमेजन हो गया, नाम सुना आपने ना? सर हाँ हमने सुना है। पता वो क्या करते हैं, एक सर्विस देते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट मान लो 500 का है, लिखना बंद करेंगे मेरी बात सुने, अगर 500 का है तो वो कहते हैं कि भैया हम फ्री होम डिलीवरी दे रहे हैं, फ्री होम डिलीवरी। तो मुझे बताओ कि अगर वो मैं अगर ऑर्डर बुक करता हूं तो उनके गोडाउन से जो मेरे घर पे आने के जो खर्चे हुए मेरे बच्चे, वो भी उनके सेल से ही तो जुड़े हुए हैं। गलत बोल रहा हूं क्या? अरे आप जरा बताओ, अगर अगर वो मेरे घर पे डिलीवर नहीं करेंगे तो सेल कैसे कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा जब फ्री होम डिलीवरी की बात उठ रही है। तो मैं यहां पर जब एनआरवी निकालूंगा ना एनआरवी, तो एक तो कमीशन ऑन सेल हो गया, मान लो आपका आप यहां जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेज होगा, लिखिए मेरे साथ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज जो होंगे टू कंप्लीट द सेल, टू कंप्लीट द सेल, सेल को कंप्लीट करने के लिए जो आपका ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेज होगा वो भी आपका एनआरवी का ही पार्ट माना जाएगा, वो भी आपका एनआरवी निकालने में हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो सिंपल शब्दों में हम बातें किसी से ना करें, हम खुद समझे इस बात को कि एनआरवी का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई सामान मैं 500 में बेच रहा हूं तो इसको बेचने के टाइम पे बेचना पूरा कंप्लीट करने में जो भी एक्सपेंसेज होगा, अगर हमने कहा कि हम आपके घर पे डिलीवर कर देंगे उनमें जो एक्सपेंसेज लगा वो हमारे एनआरवी से माइनस किया जाएगा। अगर मान लो कोई कमीशन ऑन सेल है, जैसे मेरे एजेंट होते हैं, कंसाइनी होते हैं बच्चे, हम उनको बोलते हैं कि आप गुड्स बेच दो हम आपको इतना कमीशन दे देंगे, वो हम यहां से माइनस करेंगे एनआरवी को निकालते समय। तो आपने जब भी वैल्यू करना इस तरीके की बातें करनी है। आई बात समझ में? सर हाँ ये तो बात सर समझ में आ गई, लेकिन सर और कुछ कराओगे क्या? हाँ बच्चे, मुझे तो पूरे पूरे एस को आपको एग्जाम्पल से समझाना है। जितना आगे बढ़ेगा चैप्टर उतना आपको मजा आएगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ज्यादा आपको समझने समझाने के लिए। सिंपल शब्दों में मैं आपसे बातें करूंगा और सिंपल शब्दों में आप भी मेरे साथ समझेंगे। आइए जरा एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए यहां पे, एग्जाम्पल नंबर टू इसी को समझने के लिए। कहता है कि ये रहा हमारा कॉस्ट प्राइस, ये रहा हमारा कॉस्ट प्राइस और ये रहा हमारा मार्केट प्राइस, या कह दो सेलिंग प्राइस, आपकी मर्जी, दोनों का मीनिंग सेम निकल के आएगा। कहता है कि सेलिंग प्राइस, ये कहता है कि स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अभी हम फिनिश गुड्स से बातें कर रहे हैं, स्टॉक ऑफ जो फिनिश गुड्स आपके हैं, कहता है कि इनकी जो कॉस्ट प्राइस है, ये कहता है कि 8 लैक्स का अमाउंट, यहाँ पे 8 लैक्स का अमाउंट। कहता है कि इनको जो सेलिंग प्राइस है वो मान लो 8,50,000 का आपका है, 850। फिर मेरे बच्चे कहता है कि आपको यहाँ जो कमीशन पे करना है, कमीशन ऑन सेल, आपको सेल पे जो कमीशन पे करना है वो कहता है कि आपका 10% का अमाउंट है, और कहता है कि यहाँ पे डिलीवरी एक्सपेंस, डिलीवरी एक्सपेंसेस यानी कि गुड्स जो मैं आपको डिलीवर्ड करता हूं जब मैं आपको देता हूं, तो यहां कहता है कि मान लो 20,000 का एक्सपेंस यहां पे होगा ऐसा लगता है। डिलीवरी यानी कि वही हो गया बच्चे, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस टू कंप्लीट द सेल आपका, वो कहता है कि 20,000 है। कहता है कि कैलकुलेट, लिखिए मेरे साथ यहां पे, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स।
आपको फिनिश गुड्स स्टॉक जो है उसकी वैल्यू बताने की आखिर वैल्यू कितनी होगी एज पर एस टू, एज पर एस टू। तो देखो एस टू के मुताबिक हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के अंदर में, पर बच्चे आप जानते हो कि जब भी स्टॉक को वैल्यू करते हैं लिखिए मेरे साथ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जब आप इसको वैल्यू करेंगे तो इसको वैल्यू करते समय दो चीजें कंपेयर करते हैं, एक तो कॉस्ट प्राइस जो हमारे स्टॉक का है वो कहता है कि 8 लाख। सर ये कॉस्ट कैसे निकलता है, सर ये हमारा आगे का विषय है बच्चे मैं बताऊंगा आप चिंता ना करो, फिलहाल मान लो कॉस्ट दे रहा है। और जरा बताओ यहाँ पे सेलिंग प्राइस है कि एनआरवी है, सर यहाँ पे एनआरवी है, बताओ ना एनआरवी कितना हो जाएगा। सुनो सुनो 8,50,000 इसका सेलिंग प्राइस कहता है, फिर कहता है कि आपका कमीशन ऑन सेल 10% है, तो जरा बताओ 850 का 10% कितना हो जाएगा 85,000। यही नहीं हमें डिलीवरी एक्सपेंस भी पे करना है टू कंप्लीट द सेल यानी कि 20,000। मुझे बताओ अब एनआरवी कितना निकल के आया, मुझे बताओ एनआरवी कितना हो गया 8,50,000 माइनस आपका 85,000 और माइनस आपका 20,000 पर बच्चे अमाउंट आ गया 7,45,000। मुझे बताओ इस बार जो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वैल्यू किया जाएगा कहते हैं कि इन दोनों के लोअर पे, तो लोअर प्राइस आपका कितना निकल के आ गया सर 7,45,000। ये काम हमारा पूरा हो गया, ये काम पूरा हो गया। सर एक बात बताओ ये तो हम समझ गए, लेकिन सर एस टू जो कहता है कि आप इन्वेंट्री को वैल्यू करो लोअर प्राइस पे, सर इसके पीछे क्या रीजन है, सर ऐसा क्यों होता है? पर बच्चे इसके पीछे अगर एक वर्ड में आप मुझसे रीजन पूछोगे तो इसका रीजन है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। सुना मैंने क्या बताया आपको, पता ये प्रिंसिपल क्या बोलता है आपको, पढ़ा होगा आपने बचपन में, बोलो ना क्या बोलता है। सर हम भूल गए, सर आप बताओ ना। देखो ये कहता है मेरे बच्चे, ये कहता है कि अगर कोई फ्यूचर में लॉस होने वाला है, अगर कोई फ्यूचर में लॉस होने वाला है और अगर आप उसका अंदाजा लगा सकते हो तो लॉस की रिकॉर्डिंग आज ही कर लो, लॉस की रिकॉर्डिंग आज ही कर लो। वो कहता है कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है और आप श्योर हो कि वो लॉस आपका होगा तो आप उसकी रिकॉर्डिंग आज ही कर लो, हाँ गेन की मत करना। गेन तब फायदा यानी कि गेन तब रिकॉर्ड होता है बच्चे जब एक्चुअली हमें गेन हो जाता है, एक्चुअली जब हमें गेन हो जाता है। तो जरा यहां देखो, यहां देखो अगर मान लो मैं यहां पे आपको बताऊं, यहां पे देखो हमने कॉस्ट प्राइस कितना लगाया था 8 लाख, लेकिन बेच के हमें कितना मिलेगा 745। तो जिसकी कॉस्ट 8 लाख थी बेच के अगर 745 हमें मिलेगा तो बताओ हमें फायदा होगा कि घाटा होगा, बताओ हमें फायदा होगा घाटा होगा? सर यहां तो हमें घाटा होगा क्योंकि जिसकी कॉस्ट 8 लाख है बेच के हमें इतना ही मिलेगा तो हमें घाटा होगा। पर बच्चे अकाउंट्स कहता है कि आज ही घाटा रिकॉर्ड कर लो, यानी कि मान लो कि अब आपका स्टॉक इतने का नहीं है, इतने का आपका हो गया, हम लोअर पर रिकॉर्ड करेंगे लोअर पे। यहां जरा देखो, यहां देखो कॉस्ट आपका 5 लाख था लेकिन बेचू तो 540 मिलेगा, हमें फायदा होगा बच्चे, फायदा होगा बेचने पे, लेकिन वो हम आज नहीं मानेंगे। आज हम क्या करेंगे जी, कॉस्ट पे इसको रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट पे यानी कि मिनिमम प्राइस पे। फायदा तब रिकॉर्ड करते हैं जब एक्चुअली हमें फायदा हो जाता है, अभी हमारा फायदा नहीं हुआ इसलिए हम कॉस्ट पे दिखाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे यहां पे हमें दिख रहा है कि यार जिसको हमने 8 लाख में बनाया था बेच के हमें इतना मिलेगा ये तो हमें लॉस होने वाला है, तो लॉस को आज ही मानते हुए हमने क्या किया, स्टॉक की वैल्यू कहा कि भाई अब 8 लाख रुपए नहीं है, सिर्फ 745 रहा और इसी पे मैं रिकॉर्ड करूंगा, ये इसका मतलब होता है। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई सर? हाँ सर हाँ, ये तो बात समझ में आ गई। तो आपने क्या किया यहाँ पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को और वहां पे वैल्यू कर लिया, दो केसेज मैंने आपको दिखाया। सर ये तो ठीक है, आपने हमें एनआरबी का मतलब समझा दिया, लोअर का मतलब समझा दिया, कॉस्ट आप कह दो कि बाद में बताओगे, लेकिन सर ये क्या आइटम बाय आइटम एंड ग्रुप बेसिस, आओ ना इसको भी समझाता हूं, इसको भी समझाता हूं। और मैं इसके लिए एक क्वेश्चन आपको बुक में दिखाता हूं, आप जरा मेरे बुक में आइए, मेरे बुक में आइए और जरा देखो बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से चेक करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है बुक में देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 एस टू आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ और इसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 मेरे बुकलेट का। सुनो क्या बता रहा है, सुनो क्या बता रहा है, सुनो 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 क्या बता रहा है, कहता है कि कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट ABC। पर बच्चे कंपनी जो 3 तरीके के प्रोडक्ट में डील करती है, कहते हैं कि दे आर विच आर नीदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल, वो सिमिलर नहीं है, वो इंटरचेंजेबल भी नहीं है, आप उनको एक से दूसरे से रिप्लेस नहीं करते, मतलब वो अलग अलग है, अलग अलग है। सर एग्जाम्पल आप कुछ बताओ ना इसका मतलब क्या होता है, चलो मैं आपको दूसरे शब्दों में बताऊं, दूसरे शब्दों में एक कार डीलर है बच्चे, एक कार मतलब सेकेंड हैंड कार को डील करता है,
मान लो एक कार डीलर है जो सेकंड हैंड कार में डील करता है, आप बताओ वो बंदा जो सेकंड हैंड कार में डील कर रहा है क्या वो एक ही तरीके कार को बेच रहा होगा क्या? नहीं सर, नहीं, उसका काम सेकंड हैंड कार को बेचना है तो मारुति का कार भी रखेगा, होंडा का भी रखेगा, हुंडई का भी रखेगा, निसान का भी रखेगा, सब कारें रखता है सर, वो सारी कारें रखता है। पर बच्चे वो कार जो है ना, दे आर नॉट सिमिलर एंड दे आर नॉट इंटरचेंजेबल, दे कैन नॉट बी रिप्लेस बाय ईच अदर, दोनों वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। मतलब वो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स में डील करता है। देखो ना, हमने क्या बोला था, आइटम बाय आइटम बेसिस लोअर को लेते समय आप फॉलो करेंगे, अगर इन्वेंट्री जो है वो कहता है कि डिफरेंट टाइप के हैं, अगर वो डिफरेंट टाइप है, उनका ब्रांड अलग है, उनका साइज अलग है, अगर ऐसे तो उस केस में हम क्या करेंगे, आइटम बाय आइटम। आइटम बाय आइटम का क्या मतलब होता है, आइए इस क्वेश्चन से समझेंगे, सुनो ध्यान से। कहता है कि कंपनी डील्स इन थ्री प्रोडक्ट एबीसी विच आर नीदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। कहता है कि एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ इट्स अकाउंट फॉर द ईयर 2-3, बहुत पहले का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका है। कहता है कि उनका जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है यानी कि कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, लो उसने एनआरवी ही आपको बता दिया। कहता है कि कुछ इस तरीके से आइटम कहता है कि एबीसी है और हिस्टोरिकल कहता है कि 40 लैक्स, 32 लैक्स, 16 लैक्स, इनका एनआरवी कहता है कि 28 लैक्स, 32 एंड 24 लैक्स। बोलता बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बोलता बताओ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे जरा आ जाओ, मैं सोल्यूशन करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का, और ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पे स्टडी मटेरियल यानी कि जो, या फिर बुक कर दो आप, जो बुक मैं कर रहा हूं, क्योंकि अभी एग्जाम्पल भी कुछ कराऊंगा और बुक से भी कुछ क्वेश्चन हमारे होंगे। लिखे मेरे साथ यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो आपके फिनिश गुड्स हैं उनके स्टॉक की वैल्यू को मैं यहां पे बताता हूं। एक बात बताओ, ये जो आप निकालोगे, यहां पे क्वेश्चन कहता है कि दे आर नॉट सिमिलर, मतलब बच्चे यानी कि आइटम बाय आइटम बेसिस को फॉलो करेंगे। लिख दो यहां पे ब्रैकेट में, हम आइटम बाय आइटम, मतलब हर एक आइटम का सेपरेटली हमें जानना होगा कि उसका कॉस्ट प्राइस और एनआरवी में लोअर क्या है। ये देखो मैंने यहां लिखा जी स्टॉक के नाम, मुझे बताओ कौन कौन से गुड्स क्वेश्चन में बताए जा रहे हैं, सर ए है, बी है एंड सी है। अच्छा बताओ इनका जो हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि जो कॉस्ट है वो तीनों का कितना कितना बता रहा है, सर इनका 40 लैक्स है, इनका सर 32 लैक्स है और सर इनका 16 लैक्स है। अच्छा बताओ इनका एनआरवी कितना कितना बता रहा है, सर पहले वाले का एनआरवी 28 है, दूसरे वाले का 32 लैक्स है और तीसरे वाले का 24 लैक्स। ये सारे फिगर आपके इन लैक्स है, ये सारे फिगर लैक्स में आपको दिए हुए हैं। पर बच्चे मुझे इसकी वैल्यू को निकालना है, आप इतना बताओ कि क्या वो तीनों आइटम सेम है कि अलग है। सर क्वेश्चन कहता है कि अलग है। पर बच्चे हमें आइटम बाय आइटम, हर एक आइटम का अलग अलग स्टॉक की वैल्यू निकालना होगा। ये देखो जब हम वैल्यू जब निकालेंगे तो हमें क्या करना है, ध्यान देना, कुछ लाल से लिख रहा हूं, जरा बताओ इन तीनों का मिला के हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना हुआ, तीनों का मिला के आपका सर 70, 80, 88, सर ये 88 हुआ। अच्छा बताओ तीनों का मिलाकर आपका एनआरवी कितना हुआ, सर 50, 70, ये सर आपका 84 हुआ। पर बच्चे आपको लोअर लेना है, वो लोअर वैल्यू ध्यान रखना, इसका मत लेना क्योंकि आइटम बाय आइटम बेसिस पे हम टोटल का ना लेकर हम लोग क्या करते हैं, आइटम बाइट हर एक अलग लिया जाएगा, इसका कॉस्ट इतना है, इसका एनआरवी इतना है, बताओ लोअर क्या निकल के आया, ये आ गया 28। पर बच्चे ये लोअर वैल्यू को मैं ले रहा हूं कि आखिर लोअर कितना निकल के आएगा स्टॉक में वैल्यू करते समय। 32, 32 दोनों में लोअर क्या हुआ, 32 ही तो रहा। अच्छा बताओ 16, 24 में लोअर क्या आपका है, 16 आपका। ये आइटम बाय आइटम को फॉलो कर रहे हैं यानी कि जितने सारे आइटम्स होंगे उनको सेपरेटली आपने क्या करना है जी, वैल्यू को निकालना है। अब मुझे बताओ कि टोटल वैल्यू कितनी आ गई, इनको ऐड कीजिए, 28 प्लस आपका 32 प्लस आपका 16, पर बच्चे ये 76 का निकल गया वैल्यू। आप देख रहे हो अगर मैं ग्रुप यानी कि अगर मैं इकट्ठा लेता तो 84 हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती, लेकिन क्योंकि आइटम बाय आइटम लेना है इसलिए हम इस तरीके से लेते हैं। ये हमने यहाँ पे आंसर आपको दिखाया है ना, इसको बोलते हैं आइटम बाय आइटम। बात समझ में आ गई आपको, अरे बात समझ में आ गई सर, हाँ सर हम समझ गए आप क्या बोलना चाहते हो, सर हम समझ गए क्या बोलना चाहते हो, सर हम समझ गए क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो और भी, ये तो था आपका आइटम बाय आइटम। मान लो मेरा काम क्या है, मार्कर को बनाना और बेचना,
बस मैं यही मार्कर में डील करता हूं, यही मार्कर। पर बच्चे मान लो मेरे पास 1000 मार्कर हैं एंड में, तो मैं जब इनकी वैल्यू लगाऊंगा ना, क्योंकि ये सेम टाइप के हैं, सेम टाइप के, तो मैं क्या करूंगा कि जो 1000 मार्कर है उन सबकी कॉस्ट को इकट्ठा करूंगा, उन सबका मैं एनआरवी चेक करूंगा और लोअर को कंपेयर करूंगा। वहां पे हम ग्रुप बेसिस को यूज करते हैं, ग्रुप बेसिस को। तो हमने कहा आइटम बाय आइटम आप वहां यूज करेंगे जहां पे इन्वेंटरी आपका सिमिलर नहीं है, और जहां पे वो सिमिलर होगा मेरे बच्चे वहां पे ग्रुप मेथड को यूज किया जाएगा। मुझे लगता है कि अब आप ये बात समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सर हाँ सर, हाँ सर हम समझ तो गए, लेकिन सर कुछ आप देख रहे हो क्या? हाँ बच्चे, एक क्वेश्चन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए जहां से थोड़ी और क्लियरिटी निकल के आए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को हम आगे देख लेंगे, आगे बहुत सारी बातें अभी आने वाली है। लीजिए, मैंने यहां तक का मीनिंग समझा दिया। स्टॉक आपका लोअर लेना है, कॉस्ट प्राइस और एनआरवी, और फिर आपका ये जो लोअर लिया जाएगा वो हमेशा आइटम बाय आइटम, अगर वो डिफरेंट नेचर के हैं, अगर सेम नेचर के होंगे तो हम ग्रुप मेथड को फॉलो करेंगे। एनआरवी का मतलब क्या होता है वो भी बता दिया। अब मुद्दा आके रुक गया कॉस्ट प्राइस पे कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होती है वो कैसे निकाली जाती है, कॉस्ट का आखिर मतलब क्या होता है। आओ ना, आज तो मैं इतना आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, आज मैं इतने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि बस आप रहोगे और बस आप रहोगे और दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। सर आप भी नहीं रहोगे, मैं तो रहूंगा बदमाश, मैं कहां जाऊंगा, और चला गया तो कौन आपको पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा जरा बताओ। तो आओ जरा मैं आगे बढ़ता हूं और आपको अब मीनिंग ऑफ कॉस्ट बताता हूं। लिखिए मेरे साथ यहां पे, लिखेंगे आप यहां पे, अगला टॉपिक मेरे पास यहां पे कितने नोट हो चुके, 3 ना, लिखेंगे फोर्थ आपका, फोर्थ मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अगर मैं फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालूं, फिनिश गुड्स की अगर मैं कॉस्ट निकालूं तो आखिर कॉस्ट में क्या क्या निकल के आएगा, मैं उसके बारे में बात करता हूं। मीनिंग ऑफ कॉस्ट आपका, मीनिंग ऑफ कॉस्ट आपका, देखो इसके लिए आपने काम करना है, एक काम करना है, लिखो जरा इसके अंदर में नंबर ए लिखना, कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स आर टेकन बाय ब्रैकेट में, यहां थोड़ा जगह छोड़ देना, ब्रैकेट में जगह छोड़ देना, कम से कम इतना लिखने के लिए, इतना लिखने के लिए। अब उसके बाद आप लिखोगे यहां पे नीचे में टेकन बाय, नंबर वन पहला मेथड आपका कॉस्ट लेते हैं जी, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। सर ये क्या होता है तो मैं बताऊंगा, आप लिख दो यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आपका होता है जी, इससे हम कॉस्ट निकालेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। यहां पे जो सेकंड मेथड हमारे पास है, सेकंड मेथड बच्चे वो होता है आपका रिटेल प्राइस मेथड, ये होता है आपका रिटेल प्राइस मेथड, ये सेकंड मेथड होता है कॉस्ट निकालने का। और जो थर्ड मेथड मेरे पास है, थर्ड मेथड कहते हैं कि अगर ये आपको ना पता चल पाए तो टू बी कैलकुलेटेड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और ध्यान रखना, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं मतलब एग्जामिनर ना बताया कि किससे निकालना है, तो फिर आप इसको फॉलो करेंगे। मैं एक काम करता हूं, लिखो जरा जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, आप जो ये तीन तरीके से लेते हो ना बच्चे, हम इसे A2 में कॉस्ट टेक्निक के नाम से जानते हैं, कॉस्ट टेक्निक। सर कॉस्ट टेक्निक क्या होता है तो इसी को बोलते हैं बच्चे कॉस्ट टेक्निक, आपका तीन मेथड। और अगर आप मुझसे पूछो ना कि सर आपने तो तीन मेथड बता दिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिटेल प्राइस, टू बी कैलकुलेटेड, सर हम एग्जाम में किससे निकालेंगे, सर किससे निकालेंगे, तो मेरे बच्चे A2 कहता है कि पहला प्रेफरेंस आपका ये होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस। यानी कि अगर मान लो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कॉस्ट में कौन से मेथड से निकालूं, मेथड ना करके टेक्निक से निकालूं, तो देखो पहले आपने क्या करना है, इसको फॉलो करना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको नहीं बताता तो मेरे बच्चे सेकंड जो आपका प्रेफरेंस होगा वो सेकंड प्रेफरेंस आपका रिटेल प्राइस मेथड का होगा। अगर रिटेल प्राइस मेथड से भी नहीं निकल सकता
तो लास्ट में आपका थर्ड प्रेफरेंस जो होगा वो ये मेथड आपका होगा। ये तीन बातें आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड एंड थर्ड आपका, ये तीन मेथड यहाँ पे आपको निकल के आएंगे। आई बात समझ में? सर सर हमें ठीक से नहीं समझ में आया सर। देखो मैं आपको एक काम करता हूँ, इस कॉस्ट को निकालने का सॉरी जो तरीका होगा उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं इस पे और इस पे मैं आपको समझाता हूँ। आइए मेरे बुकलेट में आपका क्वेश्चन नंबर टू चेक करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर टू आप जल्दी से आ जाओ, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू क्या निकल के आएगा। पर बच्चे सॉल्यूशन करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर टू का और ब्रैकेट में लिख दो बुक, यानी कि बुक का ये क्वेश्चन आपका है। कहता है ध्यान सुनना, एक्स लिमिटेड हैज स्टॉक ऑफ 100 kg ऑफ शैम्पू। आप देखो एक्स के पास 100 kg ऑफ शैम्पू कहता है और इसका जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कहता है कि पर केजी आपका 40 है, बोलता बताओ कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ स्टॉक क्या होगा। सर ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? देखो ऐसे तो इसका कॉन्सेप्ट कॉस्टिंग में ज्यादा आपको क्लियर होगा, बट थोड़ा सा बता दूं। पता है कंपनी क्या करती है बच्चे? कंपनी क्या करती है कि पहले से डिसाइडेड कि भैया मैं जब इसको वैल्यू करूंगा ना तो इसको वैल्यू करते समय इसकी कॉस्ट इतना ही लूंगा। वो हर एक कंपनी का अपना अपना तरीका होता है बच्चे, वो कैसे अपना कितना खर्च लगा क्या क्या वो देखती है खुद आपका, आपको चिंता नहीं करना। जब स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड होगा तो एग्जाम में आपको साफ साफ शब्दों में आपको बता देगा कि भैया स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका इतना है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको बता रहा है। कहता बताओ कि आपका स्टॉक कितने का होगा, तो आप लिखो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर टू में, अगर मैं कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बोलूं कि आप जरा बताओ फिनिश गुड्स का जो आपका स्टॉक है उसकी कॉस्ट कितनी है, तो मेरे बच्चे आप कहना कि 100 kg आपका सामान है और 1 kg का जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 40 है, यानी कि अमाउंट आपका कितना हो गया 4000 का अमाउंट। लीजिए आपका कॉस्ट निकल के आ गया 4000 का अमाउंट। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, जो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा ये एग्जाम में हमेशा आपको दिया रहेगा, आप उसके हिसाब से निकाल दोगे। अगर एग्जाम में स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं बताता तो शायद वो रिटेल प्राइस मेथड को की तरफ इशारा कर रहा होगा, और इसके इशारा को समझने के लिए आओ जरा हम क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। बुक का क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री, सुनिए मेरी बात ध्यान से क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री। कहता कि वाई लिमिटेड हैज स्टॉक ऑफ 500 पैकेट्स ऑफ शैंपू। देखो ना कहता कि वाई लिमिटेड के पास 500 कहता कि पैकेट ऑफ शैंपू है, रिटेल प्राइस कहता कि 90 rupees पर पैकेट, 90 rupees, और कहता कि जो जीपी रेट है ना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वो 20% है, बोलता कि कैलकुलेट आपका कॉस्ट ऑफ स्टॉक। सुनो ध्यान से, अब मैं आपको रिटेल प्राइस मेथड की बात कर रहा हूं, क्योंकि ध्यान दो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर थ्री में स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको बता ही नहीं रहा। अगर वो स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं बताएगा तो सेकंड प्रेफरेंस पे जाऊंगा, अगर ये ना बताए तब थर्ड पे जाऊंगा। फिलहाल सेकंड के बारे में बात कर रहा हूं, मैं उसके बारे में लिखता हूं। जरा बताओ रिटेल प्राइस यानी कि जो क्वेश्चन में उनका सेलिंग प्राइस है, रिटेल प्राइस मुझे बताइए, रिटेल प्राइस जो आपका है वो पर पैकेट कितना बता रहा है? पर पैकेट यहां पे सर रिटेल प्राइस जो है पर पैकेट वो कहता है कि ₹90 है। एक काम करो, इसमें से जो जीपी रेशियो है, जीपी रेशियो यानी कि जो वो प्रॉफिट कमा रहा है दुकानदार कितना जी 20%, तो ये 90 का 20% आप यहां से माइनस कर दो यानी कि 18। तो जरा बताओ अगर रिटेल प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस में जीपी रेशियो हटा दूं तो क्या बच जाएगा? सर कॉस्ट प्राइस पर पैकेट बच जाएगा। सर कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? ये आ गया 72 का अमाउंट। फिर बच्चे अब अगर हमें कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर निकालना है, अगर हमें फिनिश गुड्स की आपकी कॉस्ट जाननी है, तो जरा बताओ कितने शैम्पू की बात कर रहा था? सर वो 500 पैकेट्स है, सर 500 पैकेट्स। तो ठीक है, जो 500 पैकेट्स हैं आप उसको इनकी कॉस्ट यानी कि 72 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ जरा अमाउंट कितना निकल के आएगा। सर यहाँ पे 72 × 500 की बात अगर कर जाए तो सर ये 36,000 का अमाउंट निकल के आया, 36,000 का हो गया यहाँ पे। अरे हमने कहा कि अगर आप स्टॉक को वैल्यू करते हो, किस स्टॉक की बात कर रहे हैं हम? फिनिश गुड्स का। तो फिनिश गुड्स के स्टॉक को वैल्यू करते समय आप जानते हैं कि स्टॉक का मेजरमेंट कॉस्ट प्राइस और एनआरबी पे होता है। एनआरबी मैंने आपको पहले बता दिया था,
कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा उसकी बात कर रहे हैं, तो तीन हमारे पास टेक्निक है जी कॉस्ट को निकालने का। पहला है स्टैंडर्ड कॉस्ट, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम रिटेल प्राइस मेथड को फॉलो करेंगे। रिटेल प्राइस कैसे काम करता है वो भी बता दिया। अगर मान लो रिटेल प्राइस मेथड ना हो तो मेरे बच्चे हम जाएंगे आपका कहां पे जी, आपका यहां पे थर्ड प्रेफरेंस यानी कि टू बी कैलकुलेटेड, हम खुद निकालेंगे कि कॉस्ट हमारा कितना है। सर वो कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, आओ ना मेरा वही टॉपिक आपका आगे है, मैं इसको मिटाता हूं और आपको बताता हूं कि आखिर आप स्टॉक की कॉस्ट को कैसे निकालेंगे। ये लीजिए मैंने इसको हटाया और आपको यहां पे बताता हूं मेरे बच्चे कि स्टॉक की कॉस्ट कैसे निकाले जाएंगे। स्लोली स्लोली चैप्टर आगे बढ़ रहा है, जितना आगे बढ़ रहा है उतना ये इनडेप्थ होते चला जाएगा, जितना इनडेप्थ होगा उतने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते चले जाएंगे, जितना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा उतनी शक्ति आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, जितनी शक्तियां आपके अंदर आएंगी उतना आपके अंदर में बॉडी में चेंजेस आने शुरू होंगे, आपके हाथ पर मेरे बच्चे इतना था इतना इतना होना शुरू हो जाएगा, आप हल्क बन जाओगे। हल्क नाम सुना है हल्का आपका, वो मोटा मोटा खूब सारा वो जो होता है जो चलते रहता है मूवी के अंदर में, वो बन जाओगे आप। सर उससे बन के क्या फायदा होगा, अरे वो शक्तियां जो आपके अंदर आ चुकी हैं और दूसरों से आपको डिफरेंट कर रही है। मजा करो, सोचो हल्क जब दिखेगा, हल्क जो अगर नहीं पता तो मैं बता दूं हल्क कैसा दिखता है। अगर आप ऐसे दिखते हो तो हल्क मेरे बच्चे ऐसा दिखता है, इतना बड़ा है, इतना खूंखार है, ऐसा दिखना आप शुरू कर जाओगे, वो शक्तियां मैं आपके अंदर भर दूंगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सर ऐसा दिखेंगे तो फिर क्या होगा, सर लोग तो डरेंगे। ओहो छोड़ो ना डरने की बात, अरे शक्तियां तो अंदर आ गई, आ तो गई शक्तियां, मैं आगे बढ़ता हूँ। लो जरा मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये हमारा एस का पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। हाँ मुझे कॉस्ट आपके लिए निकालना है, लिखे जरा। अगर मान लो यहाँ पे 1 हो गया 2 हो गया, अब कैसे निकाला जाएगा, तो मेरा पांचवा पॉइंट वही निकल के आता है। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे आपका हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स की अगर हमें कॉस्ट निकालनी हो जाए तो हम वो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, लिख देता हूं ब्रैकेट में जी, ये हमारा थर्ड प्रेफरेंस है मेरे बच्चे। थर्ड जो प्रेफरेंस था उसके अंदर में हम बात कर रहे हैं कि आखिर आप यहां पे कॉस्ट को कैसे निकालोगे, कॉस्ट को कैसे निकालोगे। आइए बात समझ में, जरा सुनो ध्यान से, ये कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा। देखो इसका फॉर्मूला होता है, एक तो आप लेंगे यहां पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आप लेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सर ये क्या होता है, आगे की बात है, लिखो यहां पे, फिलहाल समझना मटेरियल कॉस्ट है। फिर बच्चे आप इसमें ऐड कर देना कन्वर्जन कॉस्ट। सर ये कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, लिखो तो आप यहां पे। हाँ चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, कन्वर्जन कॉस्ट मेरे बच्चे दो कॉस्ट आएगा, एक तो आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यानी कि जो आपका लेबर कॉस्ट है ना, जिसको आप सिंपल शब्दों में वेजेस का नाम देते हैं, वो यहां पे आएगा मेरे बच्चे। और फिर एक आएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब होता है एक्सपेंसेज। ओवरहेड का मतलब क्या होता है जी, एक्सपेंसेज आपका। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होगा ये दोनों मिला के आपका क्या बन जाएगा, यहां सटा देता हूं, इन दोनों को ऐड करके आपका क्या निकल के आ जाएगा यहां पे, कन्वर्जन कॉस्ट। फिर आप यहां पे ऐड करेंगे अदर कॉस्ट। सर ये अदर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लिखो यहां पे, अदर कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेज इनकर्ड टू ब्रिंग द स्टॉक इन इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशंस। सर क्या मतलब निकल के आया, अभी बताता हूं, लिखो आप यहां पे, और इसको ऐड करके जो अमाउंट आएगा उसी को क्या बोलेंगे आप यहां पे, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। या आप इसको ऐसे कह देना, ये जो आपका निकल के आया ना, ये टोटल कॉस्ट निकल के आ गया, ये आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मेरे बच्चे, ये टोटल कॉस्ट निकल के आ गया आपका टोटल कॉस्ट। अब जब अगर आपको निकालना हो कॉस्ट पर यूनिट, अगर आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालना होगा, तो जो भी आपका टोटल कॉस्ट निकल के आया, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, जो भी टोटल कॉस्ट आया फिनिश गुड्स का, आप इसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ गुड्स
नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर से ड्यूरिंग द पीरियड कर दो, जिस पीरियड का आप निकाल लो ड्यूरिंग द पीरियड, तो इस तरीके से आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगा, लिख तो दिया कॉस्ट पर यूनिट आपका, है ना, जो टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकल के आपका आया जी, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर दो, क्योंकि हमने प्रोड्यूस का कॉस्ट निकाला, अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे और क्लियरिटी आ जाएगी। डिवाइड में हमने क्या किया यहाँ पे, डिवाइड क्या किया, नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा। अब अगर हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ स्टॉक, अगर हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आप एक काम करना, ये जो कॉस्ट पर यूनिट आपका निकल के आया, इसको मल्टीप्लाई कर देना स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आपका जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चे वो आ जाएगा कॉस्ट का। सर कुछ समझ में नहीं आया, सर आपने पता नहीं क्या क्या लिख दिया, अभी आपको समझाता हूं, पहले लिख दो आप यहां पे। हमने कहा कि अगर आप फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकाल रहे हो तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सर ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं, देखो, या इससे भी अच्छा बताता हूं, आपने पेप्सी का नाम सुना है ना, पेप्सी नहीं पीते पेप्सी, सर हां, आप बताओ पेप्सी जो पीते हो आप, जब आप शॉप से लेकर आते हो पेप्सी, तो आप बताओ कि पेप्सी में आपका मेन मटेरियल क्या है, क्या पीते हो आप, आप उसके प्लास्टिक को पीते हो, मतलब उसके बोतल को पीते हो, या पेप्सी को पीते हो जो उसके लिक्विड होते हैं। सर जो लिक्विड होता है हम उसको पीते हैं, सर कैसी बात कर रहे हो, सर हम वो उसका बोतल को कैसे पिएंगे, ठीक बोला बच्चे आपने, अरे वो जो मेन मटेरियल है ना, वो जो चीज आप पीते हो, वो कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूं, उस सोडे की बात कर रहा हूं, वो आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गया। किसी भी प्रोडक्ट में एक जो चीज होता है ना बच्चे, एक जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मेन चीज, आपको उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है ना। अब मैं आपको जैसे बताऊं, जैसे देखो ये शर्ट दिख रहा है आपको यहां पे, इस शर्ट में जरा देखो जो कपड़ा आपको दिख रहा है ना, कपड़ा आपको यहां पे, ये क्या आपका डायरेक्ट मटेरियल है इस शर्ट के लिए आपका, तो डायरेक्ट मटेरियल आपका ये आ गया कन्वर्जन कॉस्ट। अब देखो कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट किया गया, जब कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट करेगा तो खर्चे भी तो लगेंगे, जैसे कि हमारा लेबर कॉस्ट लगा जी, वर्कर लगा आपका यहाँ पे, कुछ फैक्ट्री जहां पे आप प्रोडक्शन करोगे वहां पे खर्चे भी तो लगेंगे, आप बताओ फैक्ट्री में खर्च नहीं लगेगा, अगर मान लो ये शर्ट बन रहा है तो जहां पे मजदूर काम कर रहे हैं वहां पे खर्च नहीं लगेगा, लगेगा सर फैक्ट्री का रेंट पे कर रहा हूंगा मैं, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी लग रहा होगा, फैक्ट्री के अंदर मैनेजर काम कर रहे हैं उनको बहुत सारे खर्चे होते हैं। वही तो कहा कि आप तो पहले ले लो मटेरियल कॉस्ट आपका, मतलब वो कपड़ा, फिर आप कपड़े को शर्ट में जो कन्वर्ट किए उसमें जितने सारे खर्चे लगेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट, जिसमें एक तो लेबर कॉस्ट आ जाएगा, दूसरा फैक्ट्री के बाकी के खर्चे। सर ये बाकी खर्चे कौन से होते हैं मैं आगे बताऊंगा, बट मान लो फैक्ट्री के बाकी खर्चे और फिर अदर कॉस्ट। सर ये अदर कॉस्ट क्या होता है, सुनो ना मेरी बात सुनो, जब ये शर्ट फैक्ट्री में बना था तो बताओ क्या फैक्ट्री में रह गया था क्या वो, कि हाँ हाँ फैक्ट्री में रखेंगे उसी से हम आपका मशीन साफ करेंगे उसी को बेच देंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं होता। जब फैक्ट्री में शर्ट बना होगा तो फैक्ट्री से इसको निकालकर आप गोडाउन में लेके जाकर, गोडाउन यानी कि जो आपका स्टोर हाउस है वहां पे जाके आपने इसको स्टोर किया होगा, बिल्कुल ठीक बोला बच्चे आपने। अरे शर्ट बनने के बाद आपने इसको क्या किया होगा, फैक्ट्री से जाके स्टोर हाउस में यानी कि गोडाउन में आपने उसको स्टोर किया होगा, और अगर आपने गोडाउन में स्टोर किया होगा तो फैक्ट्री से गोडाउन तक लेकर जाने में कुछ भाड़े भी तो लगे होंगे, नहीं लगा होगा सर, लगा होगा। वही तो कहा कि एक्सपेंसिज इनकर टू ब्रिंग द स्टॉक इन प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, जहां पे रखा हुआ है जिस लोकेशन में वो स्टोर में, वहां तक पहुंचाने में जो खर्चे हुए मेरे बच्चे वो यहां पे कहे जाएंगे। मतलब अगर मैं एग्जांपल पूछूं, एग्जांपल तो लिखो यहां पे आपका ये ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेज टू ब्रिंग स्टॉक इन गोडाउन, या तो गोडाउन कह दो इन गोडाउन या फिर आपका स्टोर, तो गोडाउन या स्टोर तक पहुंचाने तक में मेरे बच्चे, स्टोर तक में पहुंचाने तक में जो खर्चे लगे वो आपका यहां निकल के आएगा। और भी एक खर्च की बात करता हूं, एक खर्च और भी मैं आपको बताता हूं। एक बात, और शर्ट जो है वो फैक्ट्री में बना,
शर्ट फैक्ट्री में बना, आप मुझे बताओ कि क्या शर्ट फैक्ट्री में बना और वैसे ही शर्ट को आपने पकड़ा और गोडाउन में रख दिया क्या? मतलब शर्ट जो आपने इमेजिन करो, जैसे मैं बात कर रहा हूं, शर्ट फैक्ट्री में बन गए, खूब सारे शर्ट बन गए और आपने क्या किया, आपने क्या किया, सारे शर्ट लेके आपने ट्रक में फेंके और गोडाउन में चला गया, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होगा सर, अगर ऐसा होगा तो शर्ट गंदे हो जाएंगे, फट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, प्रोडक्ट हमारा खराब हो जाएगा। ठीक बोला बच्चे आपने। तो पता क्या होगा, फैक्ट्री में जब शर्ट बन के तैयार हो गया ना, तो उसको फैक्ट्री से गोडाउन में ले जाने तक आपने उसकी पैकिंग की होगी। देखते हो वो पैकिंग होता है आपका, जिसमें हम सामान को लेकर, बिस्किट का देखा होगा, बड़े बड़े पैकेट्स होते हैं, उसमें सामान रख के हम आगे लेके जाते ताकि वो लॉस ना हो, डैमेज ना हो। सर हाँ वो होता है, पर बच्चे हम उसको बोलते हैं पैकिंग, और अच्छे वर्ड दे तो प्राइमरी पैकिंग उसको कहा जाता है, प्राइमरी पैकिंग। तो मैं ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस की बात करता हूं, साथ ही साथ हमने क्या कहा जी, प्राइमरी पैकिंग। मेरे बच्चे प्राइमरी पैकिंग का मतलब होता है वो पैकिंग जो डैमेज से बचाता है, ट्रांसपोर्ट के बीच में डैमेज से जो बचाएगा उसको हम प्राइमरी पैकिंग कहेंगे। प्राइमरी पैकेजिंग की बात नहीं कर रहा, पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें हम ब्रांड लिखते हैं, शर्ट हमने लिया जो इसका कवर था उसमें कंपनी का ब्रांड लिखा था, उसकी बात नहीं कर रहा मेरे बच्चे, उसकी बात नहीं कर रहा। प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकेज नहीं, पैकिंग आपका है, प्राइमरी पैकिंग जो हमेशा किया जाता है, जरा बताओ किस चीज के लिए, तो गुड्स को नुकसान से बचाने के लिए उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। ये सब आपके अदर कॉस्ट में जाएंगे। तो ध्यान रखना, हमने क्या बोला कि भैया अगर मान लो इसका हमें फिनिश गुड्स निकालना है, या मान लो मैं शर्ट की बात कर रहा हूं, अगर मैं इस शर्ट की कॉस्ट को निकालना चाहता हूं तो देखो इसमें क्या क्या होगा। एक तो जो डायरेक्ट मटेरियल आपका है, मतलब जो कपड़ा दिख रहा है, एक तो हम वो लेंगे, फिर हमने कपड़े को शर्ट में जो कन्वर्ट किया होगा उसमें वर्कर्स को वेजेस पे किया होगा, हमने फैक्ट्री में बहुत सारे खर्चे किए होंगे, यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट वो भी लेंगे, और गुड्स के बन जाने के बाद उसको फैक्ट्री से स्टोर तक में पहुंचाने तक में जो भी खर्चे किए होंगे, मेनली दो खर्चे होता है, एक तो आपका ट्रांसपोर्ट का और एक तो वो प्राइमरी पैकिंग जिसको हम वहां से ले जाने में आपने खर्चे किए होंगे। मेरे बच्चे इन सब खर्चों को ऐड किया जाएगा, निकल गया कॉस्ट हमारा, निकल गया कॉस्ट। बात समझ रहे हो सर हाँ हम समझ रहे हैं सर। मुझे और भी कुछ कहना है बच्चे, और भी कुछ कहना है, इसके बाद मैं काम करता हूं, मुझे ना इसका थोड़ा डिटेल आपको बताना है, इसका डिटेल बताना है, तो मैं आप कहो तो मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि अब ये कोई यूज का रहा नहीं, अब ये कोई यूज का मेरे लिए नहीं रहा, ये बातें मैं आपको समझा चुका हूं। हम इसको बीच में चर्चा बीच बीच में करते रहेंगे कि आखिर हमने क्या पढ़ा अभी तक आपका, आप चिंता ना करो। जरा आओ, जरा मैं अब आपको इसके बारे में समझाऊं, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये काम करना फाइव में, ना फाइव में जो आपने पूरा काम किया सर, ये क्या किया बताऊंगा बच्चे। पहले फाइव के अंदर लिखो पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए आपका कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में, सॉरी किसके बारे में, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में लिखना, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में डैश देके लिखना। इट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। मेरे बच्चे आप फैक्ट्री के जो खर्चे होते हैं इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें लिखना नंबर वन जो होगा वो कहता है कि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर ये क्या होता है, सर ये क्या होता है, देखो एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछोगे एग्जाम्पल, तो जैसे देखो अगर अच्छा वर्ड बताओ तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। आप देखो ना जितने फैक्ट्री में आप गुड्स को बनाओगे इलेक्ट्रिसिटी उतना कंज्यूम होगा, कम बनाया तो कम होगा, ज्यादा तो ज्यादा हुआ। मेरे बच्चे ये आपका वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। सर और कुछ बताओ ना, मैं बताता हूं मेरे बच्चे, एक नाम इसका और हो सकता है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। सर ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, अरे सुनो तो मेरी बात, मैं आपको बताऊंगा ना। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या बताया था, जरा बताओ, इसमें क्या लगा हुआ जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, सर कपड़ा। ठीक बोला आपने, लेकिन जरा बताओ कि क्या इस शर्ट में सिर्फ कपड़ा ही लगा हुआ है क्या? अरे आप देखो ना, आपको मैं दिखाऊं, यहां पे देखो आपको धागा दिखाई देगा, धागा जिसे सिलाई किया गया है, नहीं दिख रहा आपको? अरे ऐसा थोड़े कि कपड़ा उसने लिया, कपड़े को काट दिया, शर्ट बन गया, अरे धागा भी तो यूज किया होगा, अरे ये देखो बटन भी तो यूज हुआ है, गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं सर, नहीं बटन भी हमें दिख रहा है सर, धागा भी दिख रहा है। दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा लेकिन उसके बिना आप उसको बना भी नहीं सकते, हम उसे कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल।
अब देखो ना, थोड़ी देर पहले मैं पेप्सी की बात कर रहा था। अरे पेप्सी के अंदर में जो पेप्सी जो कोल्ड ड्रिंक है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन जो उसके ऊपर में जो बॉटल लगा हुआ है, जो बॉटल आपने यूज किया, वो इनडायरेक्ट मटेरियल आपका होगा। गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं सर, नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, क्योंकि उसमें कुछ और भी तो लगा। ये सारे आपके जो होते हैं ना बच्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल आपका हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, ये सब आपका वेरिएबल है। वेरिएबल क्योंकि जितने शर्ट बनाओगे उतने बटन लगेंगे, जितने कम बनाओगे उतने कम, ये वेरी करता है विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन। सुने मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? आपका नजर यहीं पर है ना, ध्यान दे रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? आपसे बात कर रहा हूं, आपसे, किसी और से बात नहीं कर रहा। भूल जाओ, दुनिया में कुछ और है। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा देना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं। तो इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है? सॉरी, मैंने बोला जी आपका वेरिएबल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल आपका हो गया, ये सारे आपके वेरिएबल होंगे। लिखो डैश दे के इसके बारे में लिखना, इट इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, कहता है कि आपका एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। सर इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा सा सब्र करो, आप बस इसको लिख दो, इसका मतलब क्या होता अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। लेकिन वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या होता वो बता दिया, और इसका एलोकेशन जो होता है मेरे बच्चे, वो एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर के बेसिस पे आपका होता है। नंबर टू लिखना फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अरे फैक्ट्री के अंदर में वो एक्सपेंसेस जो आपके लगेंगे ही लगेंगे और वो फिक्स्ड है। आप एक यूनिट बनाओ, 10 बनाओ, 1000 बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? जितने बनाओ लगेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखो रेंट ऑफ फैक्ट्री, आप बताओ रेंट ऑफ फैक्ट्री जो होता है, क्या आपके प्रोडक्शन बढ़ने घटने से चेंज होता है? क्या आपका जो लैंडलॉर्ड है वो कहता है भैया एक पेन बनाओगे तो हम आपसे 10 रुपए लेंगे रेंट, अगर मान लो 1000 बनाया तो हम आपसे 50,000 रुपए लेंगे? ऐसा होता है? नहीं सर, वो तो फिक्स कह देता है कि भैया रेंट पर मंथ इतना है या पर एनम इतना है, वो चेंज नहीं करता है। मेरे बच्चे ये आपका फिक्स कहा जाएगा। फिर कहता है कि सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, मान लो जो आपका फैक्ट्री मैनेजर है, फैक्ट्री जो मैनेज कर रहा है, उसकी सैलरी जो आपकी हो गई वो फिक्स होते हैं। इंश्योरेंस चार्जेस जो आप पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का जो आपने इंश्योरेंस कराया है मेरे बच्चे, एक्सेट्रा, ये सारे आपके फिक्स्ड होते हैं। लिखना डैश दे के इसके बारे में, कहता है कि दे आर एलोकेटेड, इनका जो एलोकेशन होता है, दे आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिखना नॉर्मल कैपेसिटी। पर बच्चे नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब यहां पे ब्रैकेट में, दैट इज आपका मैक्सिमम कैपेसिटी होता है। सर इसका क्या मतलब निकल गया है? सर जरा ठीक से समझाओ ना, लिखो तो मैं सारी बातें समझाऊंगा। आप लिख दो पहले यहां पे, हमने कहा कि जो आपका वेरिएबल होगा इसका एलोकेशन होगा एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, आपका एक्चुअल जो प्रोडक्शन आपका हुआ। लेकिन जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड होता है मेरे बच्चे, इनका एक्चुअल से कोई मतलब नहीं है। आपका जो प्लांट का नॉर्मल कैपेसिटी है, नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी होता है। मतलब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मेरी प्लांट की कैपेसिटी 1,00,000 पेन को बनाने की है, तो मेरे बच्चे मैं फिक्स ओवरहेड का जो एलोकेशन करूंगा वो 1,00,000 पे बेसिस पे करूंगा। कैसे, मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो। लेकिन याद रखना, इनका एलोकेशन नॉर्मल यानी कि मैक्सिमम के बेसिस पे होगा, लेकिन इनका एलोकेशन एक्चुअल के बेसिस पे होता है, क्योंकि ये एक्चुअल के बेसिस पे ही घटते बढ़ते आपके हैं। अरे हाँ, एक चीज तो बताना ही भूल गया, आप एक काम करना, लिखो यहां पे जो नॉर्मल कैपेसिटी लिखा ना, इसको ऐसे 3 स्टार मार्क, और यहां लिखो नीचे में ठीक यहीं पे 3 स्टार मार्क, यानी कि इसके बारे में लिखना यहां पे। इसके बारे में कहता है कि इफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीड्स, अगर एक्चुअल जो आपने प्रोडक्शन किया है अगर वो एक्सीड कर देता है द मैक्सिमम या नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, कहता है कि अगर आपका जो एक्चुअल है वो नॉर्मल को एक्सीड कर देगा, कॉमा, देन लिखेंगे यहां पे, देन फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर
एलोकेटेड आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आपका एक्चुअल प्रोडक्शन। लो मेरे बच्चे, ये आपका एक यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया फिक्स फैक्ट्री का। और एक काम करना, यहाँ पे आप जो लिखा ना एक्चुअल प्रोडक्शन, आप इसे कर लो अंडरलाइन। सर इसका क्या मतलब है? सर समझ में नहीं आ रहा। मैंने अभी समझाया कहाँ, मैंने समझाया कहाँ, अभी तो सिर्फ मैंने आपको ये बताया बच्चे कि कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स को निकालते समय एक तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगा, मतलब मेरे शर्ट में जो कपड़ा लगा हुआ है इसको कन्वर्ट करने में, जो शर्ट में जो कन्वर्ट किया गया उसमें जो खर्चे लगे, जैसे कि वेजेस लग गया, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री में जो खर्चे लग गए जितने भी, चाहे वो फिक्स हो चाहे वेरिएबल हो, उन सबको लिया। और कोई और भी खर्च लगा, जैसे आपका गोडाउन तक पहुंचाने तक का भाड़ा रहा जी, या प्राइमरी पैकिंग रहा, उसको भी हमने ऐड किया, वो टोटल कॉस्ट निकल के आपका आ गया। जब कॉस्ट पर यूनिट निकाला जाएगा वो बातें हम बाद में देख लेंगे। मैंने इसके बारे में थोड़ा और समझाया कि जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका वेरिएबल, दूसरा आपका फिक्स। वेरिएबल का जो एलोकेशन होगा वो एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे होगा, लेकिन जो फिक्स होता है बच्चे वो मैक्सिमम कैपेसिटी आपके फैक्ट्री का, आपके प्लांट का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जिसको हम नॉर्मल कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं, उसके बेसिस पे इसका एलोकेशन होगा। ये मैंने जो लिखाया इसको हम बाद में समझेंगे इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा सब्र करना, मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। हमने आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, जरा आओ आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4th क्या बता रहा है। आप अगर कहो तो मैं कुछ मिटाऊं, इसको मिटा दूं क्या? सर अभी नहीं मिटाओ, सर हम इसको देखना चाहते हैं आप क्या बताना चाहते हो। इसको मिटा दो कम से कम। सर हाँ ये मिटा सकते हो। इसको थोड़ा सा मिटा दो क्या? थोड़ा सा, मैं इतना ही तो आपको रिक्वायरमेंट है, थोड़ा जगह बन जाएगा मेरा। सर अब प्लीज कुछ नहीं मिटाना, सर अब नहीं मिटाना। ठीक है बच्चे अब नहीं मिटा रहा। आओ जरा मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूं और मैं शुरू करता हूं यहाँ पे आपका सोल्यूशन। लिखिए मेरे साथ सोल्यूशन कर रहे हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4th का। सुनो क्या बता रहा है। कहता कि राशिका लिमिटेड प्रोड्यूसेज पेप्सी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने में पेप्सी का प्रोडक्शन किया। कहता कि इट प्रोड्यूसेज 1 लाख पैकेट्स ऑफ पेप्सी। लो 1 लाख पैकेट ऑफ पेप्सी इसने बनाया है। कहता कि फॉलोइंग एक्सपेंसिव वे इनकर्ड ड्यूरिंग मंथ ऑफ अप्रैल, एक महीने की बात कर रहा है बच्चे, अप्रैल का बात कर रहा है। वो कहता है कि आपका डायरेक्ट मटेरियल जो लगा यहां पे 8 लाख का आपका, अच्छा जरा बताओ डायरेक्ट मटेरियल जो आपका लगा है 8 लाख का, ये क्या रहा होगा? सर वो पेप्सी के अंदर में जो कोल्ड ड्रिंक है ना सर, वो रहा होगा। ठीक है, फिर कहता कि डायरेक्ट लेबर, ये देखो आपका ये लेबर यानी कि वेजेज की बात कर रहा है। फिर कहता मेरे बच्चे इनडायरेक्ट मटेरियल, एक मिनट, इनडायरेक्ट मटेरियल कहता है, जरा बताओ ये क्या है? सर ये फैक्ट्री ओवर में आने वाला आपका वेरिएबल वाला है इनडायरेक्ट मटेरियल आपका, और किसी का बता रहा जी? वो कहता है कि बॉटल्स हैं। ठीक है, लो 1 लाख अमाउंट। फिर कहता है आपका फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो आपका है वो 2.5 लाख रुपए का अमाउंट है, 2,50,000। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू स्टोर, एक मिनट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू स्टोर, स्टोर तक पहुंचाने तक का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। पर बच्चे ये देखो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपका जो हो गया स्टोर तक पहुंचाने तक का, ये अदर कॉस्ट की बात कहता है, 50,000 है। कहता है कि एज्यूम करो नॉर्मल कैपेसिटी जो हमने यहां पे कहीं यूज किया था नाम आपका, वो कहता है कि आपका 1,20,000 पैकेट है। बोलता बताओ कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, बोलता बताओ कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? एक मिनट, मुझे थोड़ा सा सांस लेना है बच्चे, और मैं उस सांस लेने के दौरान इस बात को देखना चाहता हूं कि नॉर्मल कैपेसिटी यानी कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी मेरा है, अगर 1,20,000 पैकेट्स का है तो मैंने जो प्रोडक्शन किया है, फर्स्ट लाइन देख के बताओ हमने इस महीने में प्रोडक्शन किया कितने है? सर 1 लाख पैकेट्स, 1 लाख, अच्छा 120 मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन आपका वो 1 लाख पैकेट्स का है। बोलता कि कैलकुलेट करो कि आपका कॉस्ट पर यूनिट क्या निकल के आएगा, कॉस्ट पर यूनिट। आओ जरा मैं आपको दिखाऊं यहां पे सॉल्यूशन 4th नंबर का। मेरे बच्चे मेरा ना कॉस्ट पर यूनिट निकालने के दो तरीका, मेथड 1 और मेथड 2। एक्चुअली मैं सच बता दूं आपको, अभी तो मैं आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहा हूं, क्योंकि दोनों सेम चीजें ऐसे निकालो चाहे ऐसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ बच्चे कभी कभी देखा गया कि परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं दोनों तरीके से बता देता हूं, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा कि सर ने आपको बेवकूफ बनाया और कुछ भी नहीं। आओ जरा मैं शुरू करता हूं मेथड 1 आपका। मेथड 1 जरा मुझे बताओ, मेथड 1 में
कि यहाँ पे आपने क्या लिखा था पहले हमें क्या लेना जी मेथड वन में डायरेक्ट मतलब पहले पता ये फॉर्मूला जो लिखाया था आप ना मेथड वन में क्या करो टोटल बताओ टोटल टोटल आपका डायरेक्ट मटेरियल मटेरियल कॉस्ट कितना लगा है टोटल जो आपका डायरेक्ट मटेरियल लगा वो कितना लगा जी आपका सर ये कहता है कि 8 लाख लिखो यहां पे 8 लाख का अमाउंट 8 लाख का अमाउंट अच्छा बताओ इसके बाद हमने फिर क्या ऐड किया था सर आपने कहा था कन्वर्जन कॉस्ट आपने सर यहां पे कन्वर्जन कॉस्ट कहा था और सर कन्वर्जन कॉस्ट में एक तो कहा था आपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यानी कि वेजेज की बात कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यानी कि आपका बात यहां पे वेजेज का हो रहा है और सर आपने कहा था फैक्ट्री ओवरहेड्स हाँ मैंने थोड़ी देर बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था एक आपका फिक्स्ड और एक हमने कह दिया था आपका वेरिएबल एक फिक्स दूसरा वेरिएबल आपका और फिर लास्ट में ये हो जाने के बाद इसको हमने कहा था जी प्लस आपका यहाँ पे अदर कॉस्ट आप देख चुके इस क्वेश्चन में अदर कॉस्ट में आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कह रहा है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपका यहाँ पे कह रहा है तो ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग आइए जरा शुरू करते हैं जरा बताओ क्वेश्चन पढ़ के कि आपने अप्रैल के महीने में आपने लेबर कॉस्ट कितना लगाया है सर 2 लाख मेरे बच्चे आप यहाँ पे 2 लाख रुपीज यहाँ लिख दीजिए ये आपका लेबर कॉस्ट हो गया अच्छा बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना लगा सर देखो ना सर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना वो 2,50,000 है लिखा हमने 2,50,000 2.5 लाख अमाउंट यहां नहीं बच्चे और कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये देखो आप मैंने ना फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में कुछ लिखा था हमने कहा था कि भैया ये एलोकेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी सर क्या मतलब निकल गया एक काम करूं क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ये मेथड वन थोड़ा यहां कर देता हूं मेथड वन और मेरे बच्चे यही लिखता हूं जी मैं यही लिखता हूं कंप्यूटेशन ऑफ मैं इसका हेडिंग दे रहा हूं बच्चे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना मैं वो निकाल रहा हूं आप देख रहे होगे थोड़ा क्लियरिटी और लेकर आ रहा हूं बच्चे कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कौन से महीने में इन अप्रैल के महीने में जितने भी गुड्स हमारे प्रोड्यूस्ड हुए हैं उनमें हमारा कॉस्ट कितना लगा टोटल आपका 8 लाख ये लगा 2 लाख ये लगा अब देखो फिक्स की कॉस्ट कैसे ली जाती है नजरिया हमने कहा कि फिक्स जो एलोकेट होगा ना मैक्सिमम यानी कि नॉर्मल के बेसिस पे जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि आपका नॉर्मल कैपेसिटी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है सर नॉर्मल कैपेसिटी 1,20,000 पैकेट्स का है पर बच्चे अगर 120 पैकेट्स का है ना तो आप इसको 120 पैकेट से आप डिवाइड करेंगे 120 पैकेट से और जरा बताओ कि कितने पैकेट्स प्रोड्यूस्ड हुए एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है सर 1 लाख आप इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे सर ये क्या कर दिया हमें समझ में नहीं आया आप चिंता ना करो अभी समझाऊंगा पहले बता दो अमाउंट कितना निकल के आया 2,50,000 जो फैक्ट्री के खर्चे लगे थे मेरे बच्चे 1,20,000 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया 1 लाख से ये अमाउंट आ गया आपका 208,333 ये आ गया 208,333 का अमाउंट ये निकल गया राउंडिंग अप में बात समझ आ रही है हमने फिलहाल ये बताया कि जब भी फिक्स का एलोकेशन होगा तो नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे होगा नॉर्मल यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन में 120 है हमने कहा कि देखो जी 2.5 लाख रुपए 2,50,000 का कॉस्ट माना जाएगा क्योंकि हम निकाल ले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस्ड हुआ प्रोड्यूस 1 लाख ही तो हुआ है तो 1 लाख का क्या हुआ इतना फिर से सुनो डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख पे लगा है लेबर भी 1 लाख पे लगा है तो फिक्स खर्चे जो है वो भी हमने क्या किया 1 लाख पे निकाल दिया ऐसे निकाला मतलब थोड़ा सा आगे बताऊंगा वेरिएबल पाइए वेरिएबल जरा बताओ क्वेश्चन को पढ़ के कि आपका वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना लगा है सर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है ना सर वो लगा है 1 लाख वो इनडायरेक्ट मटेरियल आपका 1 लाख तो ठीक है आप एक काम करना 1 लाख हमने यहां लिखा 1 लाख यहां लिखा सॉरी कहां गया वेरिएबल यहां चला गया ये 1 लाख यहां लिखा मुझे बताओ ये जो वेरिएबल है नजर यहां इसका एलोकेशन किसके बेसिस पे होगा एक्चुअल प्रोडक्शन आप बताओ एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ कितना है सर 1 लाख हुआ है तो 1 लाख यूनिट से डिवाइड करो अच्छा बताओ आप जो कॉस्ट ले रहे हो कितने यूनिट्स का निकाल रहे हो सर 1 लाख का जितना प्रोड्यूस हुआ है आप इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो सर ये क्या कर रहे हो अभी समझा दूंगा थोड़ा सा सब्र करो लिखो यहां पे 1 लाख अरे ऐसे भी पता चल रहा है कि वेरिएबल एक्सपेंस से जो इनडायरेक्ट लेबर सॉरी
इनडायरेक्ट मटेरियल जो आपने 1 लाख का यूज किया है, वो 1 लाख आपने किस पे यूज किया जरा बताओ सर? वो 1 लाख हमने हमने आपका वेरिएबल है सर, वेरिएबल है तो एक्चुअल जितना बनाया होगा उसी पे तो यूज किया होगा, उतना ही अमाउंट अपने आप निकल के आ जाएगा 1 लाख का, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बताओ कि पूरे अप्रैल में कितना पे किया सर? ये 50,000 है अदर कॉस्ट में, आप इस 50,000 को ऐड करो। अब मुझे बताओ कि आपका यहां पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपका निकल के आया कितना निकल के आया जी सर? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपका है, इनको ऐड करो ना सर, 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, ये हो गया 13,58,333 का अमाउंट आपका, ठीक है ना जी सर। हाँ, ये टोटल कॉस्ट आ गया। अब निकालो यहां पे कॉस्ट जो आपका निकल के आएगा पर यूनिट, क्या निकल के आएगा पर यूनिट आपका? 13,58,333 का जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय, मुझे बताओ जरा कितने यूनिट्स आपने बनाए हैं सर? ये कॉस्ट जो है ना वो 1 लाख यूनिट्स का है, 1 लाख यूनिट्स का हमने प्रोडक्शन किया है, 1 लाख। तो जरा बताओ ये कितना निकल के आ गया सर? 13,58,333 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1 लाख से, तो ये आपका निकल के आया सर रुपीज यहाँ पे 13.58 राउंडिंग अप में, और पूरा लिखो तो 333 ये निकल के आ रहा है ना। ये हो गया बच्चे पर यूनिट, एक यूनिट। तो ये पर यूनिट का कॉस्ट आपने निकाल दिया पर यूनिट का। अगर आपको मान लो स्टॉक आपके पास 10,000 बचा हुआ है, ये तो 1 लाख प्रोड्यूस किया था ना बच्चे, अगर मान लो इसमें से 10,000 बच गया है तो आप इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना, 10,000 की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अगर आपके पास मान लो कि आपके पास 5,000 बचा है तो 5 से मल्टीप्लाई करना, कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन ने कहीं बताया नहीं कि उसने तो सिर्फ ये पूछा था कि बताओ कॉस्ट आपका पर यूनिट कितना है, हमने उसको निकाल दिया सर। सारी बातें ठीक है सर, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं अभी क्लियर करता हूँ, क्यों चिंता करते हो। मैं इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहां मेथड 2 में आता हूं, और लिखो यहां पे कंप्यूटेशन, लिखो यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ आपका कॉस्ट पर यूनिट। आप यहां हमारे बच्चे कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं यहां पे स्टार्टिंग से ही, हमने इसमें पहले टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला था, बट यहां पे स्टार्टिंग से निकालो कॉस्ट पर यूनिट। देखो कैसे निकालूंगा, लिखो यहां पे आपका फॉर्मूला यही लगेगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। मुझे बताओ कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपने टोटल कितना लगाया है सर? 8 लाख रुपीज आपका, 8 लाख। अच्छा बताओ ये जो 8 लाख लगाया, ये कितने कितने पेप्सी को बनाया आपने इसमें सर? 1 लाख। तो 1 लाख से डिवाइड कर दो जितने को आपने बनाया, आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगा यहां कितना जी, रुपीज 8, ठीक है। अब जरा आ जाओ यहां पे कन्वर्जन कॉस्ट, आप जरा आ जाओ यहां पे कन्वर्जन कॉस्ट, मुझे बताओ कन्वर्जन कॉस्ट में क्या निकल के आएगा सर? एक तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यानी कि वेजेज आपका। मुझे बताओ टोटल लेबर कॉस्ट कितना लगा था, ये देखो 2 लाख। तो मुझे बताइए 2 लाख जो आपने लगाया था कितने यूनिट पे लगाया था सर? 1 लाख पे। तो चलो बताओ ये कितना निकल के आ गया, रुपीज 2। अच्छा बताओ डायरेक्ट लेबर के बाद आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, आप मुझे बताइए फैक्ट्री ओवरहेड्स जब निकाला जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, तो फिक्स्ड आपने कितने लगाए थे? 2.5 लाख, 2,50,000। बच्चे जब भी आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, जब भी आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो फिक्स का एलोकेशन हमेशा आपका नॉर्मल कैपेसिटी यानी कि मैक्सिमम के बेसिस पे होगा। क्वेश्चन में जो मैक्सिमम कैपेसिटी बता रहा है 1,20,000, लेकिन जो आपका वेरिएबल का लेना होगा, वेरिएबल आपका जो है, वेरिएबल कितना हुआ था? 1 लाख। इस 1 लाख रुपीज का जब भी आप एलोकेशन करोगे वेरिएबल का, तो जो एक्चुअल आपने प्रोडक्शन किया उसी से डिवाइड करेंगे आपका पर यूनिट कॉस्ट को निकालने के लिए। यही बातें मैंने यहां भी समझाया, वही बातें यहां भी, वही बातें यहां भी समझा रहा हूं। बताइए ये 2,50,000 डिवाइडेड बाय आपका 1,20,000 कितना निकल के आया सर? ये आ गया 2.08। तो आप लिखो यहां पे रुपीज, ये निकल के आया 2.0833। अच्छा ये कितना आ गया सर? ये रुपी 1 आ गया, ये रुपी 1 आ गया। तो हमने मटेरियल कॉस्ट ले लिया, कन्वर्जन ले लिया, और फिर मेरे बच्चे अब आप लेंगे यहां पे अदर कॉस्ट,
अदर कॉस्ट। जरा बताओ अदर कॉस्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट में कितने रुपए खर्च हुए थे? 50,000। आप बताओ ये 50,000 जो आपने खर्च किया था कितने यूनिट्स को अपने गोडाउन तक ले जाने में? सर 1 लाख। जितना प्रोड्यूस किया उतनी तो लेकर गए होंगे सर, तो जरा बताओ कितना निकल के आ गया? सर ये आ गया 0.50 यानी कि 50 पैसे। जरा इनको एड करो और बताओ डायरेक्टली कि आपका कॉस्ट पर यूनिट कितना निकल के आ गया। मेरे बच्चे ये भी आपका आ जाएगा 13.58333 का अमाउंट, मतलब सेम निकल के आएगा जो आपने यहां निकाला था। पता ये दो तरीका मैंने आपको क्यों कराया? सिर्फ इस बात को दिमाग में बैठाने के लिए कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जब भी आप निकालोगे पर यूनिट कितना है, तो पर यूनिट को निकालते समय वी ऑलवेज डिवाइड बाय मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि नॉर्मल कैपेसिटी। बात समझ में आ गई सर? हाँ। और जो वेरिएबल होगा वो हमेशा क्या होगा? नॉर्मल से डिवाइड किया जाएगा। सर एक बात बताओ, चलो आपकी हम बात मान भी लें, आपकी बात मान भी ले सर, लेकिन जरा आप देखो ना सर, आप ना पता नहीं आज क्या पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। सर जो फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे थे ना फिक्स्ड वाले, जो फिक्स्ड वाले लगे थे वो 2,50,000 लगे थे सर, 2.5 लाख रुपए। लेकिन 2,50,000 में आपने यहां खर्च कितना दिखाया? 2,08,303। सर ठीक है, हाँ बच्चे ठीक है, ये हमारा अकाउंट्स कहता है, हमारा कॉस्टिंग कहता है। कॉस्टिंग आप जब कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो आपको कॉस्टिंग में सिखाया जाएगा कि फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस का एलोकेशन हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे होता है। मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं जाता क्योंकि वो ज्यादा एस टू का मैटर नहीं है। एस टू ने जो बोला मैंने आपको बता दिया, वो अपने यहां पर रिकॉर्ड कर लिया। जब भी आपको निकालना होगा कि भैया फिक्स का पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा, तो आपको टोटल कॉस्ट को नॉर्मल यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी सबको डिवाइड करना होगा, और नॉर्मल कैपेसिटी हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा। आई बात समझ में? सर ठीक है, सर ठीक है, लेकिन सर ये क्या लिखाया था आपने? ये जो तीन तीन आपने यहां पे तारे दिखाए थे स्टार मार्क और कुछ आपने नोट लिखा था, सर ये क्या है? एक काम करते हैं, आओ ना, क्या दिक्कत है? इसको भी समझने के लिए एक बुक में मैंने क्वेश्चन संभाल कर रखे हैं आपके लिए। मैंने तो आपके लिए इतनी मेहनत की है कि मैं क्या बताऊं, मैंने इतनी मेहनत की है कि मैं क्या बताऊं। आओ जरा इस बात को समझने के लिए आप मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आप, 15। आप जरा आओ इस बात को समझने के लिए आपका मैं लिख दू यहाँ पे 4, यहाँ लिख दो बुक था जी, ये बुक का क्वेश्चन था आपका। अब जरा आ जाओ सॉल्यूशन कर रहे हैं आप यहाँ पे 15 15, और वो भी आपका बुक में से आप बुक में से सॉल्व कर रहे हैं। सुनो मेरी बात मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। देखो ना 15 क्या बता रहा है, जल्दी से निकालो 15, सुनो क्या बता रहा है। वो कहता है कि नॉर्मल प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट्स का, नॉर्मल का मतलब क्या? मैक्सिमम है ना बच्चे, अभी तो लिखा था कि नॉर्मल का मतलब मैक्सिमम आपका होता है। तो कहता है कि नॉर्मल जो आपका है वो 1 लाख का है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो आपने 5 लाख रुपीज लगाए हैं, और कहता है कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन आपका हुआ है वो 3 केसेज बता रहा है। केस 1 में कहता है कि 1 लाख यूनिट्स आपका, केस 2 में कहता है कि 80,000, और केस 3 में कहता है कि 1,25,000। बोलता है डिस्कस हाउ द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड विल बी एलोकेटेड टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में इसका एलोकेशन कैसे होगा वो आपसे पूछता है। तो आओ जरा मैं आपको यहां बताऊं इन्वेंट्री में इसका एलोकेशन कैसे होगा। शुरू कीजिए मेरे साथ यहां पे 15 लिखिए, मैं आपके यहां पे लिखेंगे मेरे बच्चे। केस वन पहले रुको, पहले लिखो ऊपर में यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ, हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, एग्जाम का क्वेश्चन आपका कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट आपका जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड होगा पर यूनिट वो कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे? पहले आइए केस नंबर वन ध्यान से, केस नंबर वन आप जरा बताओ, केस नंबर वन पढ़ के कि पहले बताओ ऊपर में फर्स्ट लाइन क्वेश्चन का कि नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है? सर 1 लाख। अच्छा केस वन में आपने बनाया कितना? सर 1 लाख। तो ठीक है, जब आपको कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट निकालना है तो जरा देखो जो आपका फिक्स्ड ओवरहेड लगा था ना 5 लाख रुपीज का अमाउंट, 5 लाख का अमाउंट, आप जरा बताओ इसको किससे डिवाइड करोगे, नॉर्मल से कि एक्चुअल से? सर नॉर्मल से, नॉर्मल यानी कि मैक्सिमम से। तो 1 लाख यूनिट से आपने यहां पे डिवाइड किया, कितना आ गया? रुपीज 5।
₹5। जरा आ जाओ केस नंबर टू। केस नंबर टू, आप मुझे बताओ कि आपका फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा हुआ है? सर 5 लाख। जरा बताओ इस बार किससे डिवाइड करोगे? तो सुनो जरा केस नंबर टू में क्या बता रहा है मेरे बच्चे। आपका जो नॉर्मल कैपेसिटी है ना, नॉर्मल कैपेसिटी यानी कि मैक्सिमम 1 लाख है नॉर्मल कैपेसिटी, और जरा चेक करो कि एक्चुअल आपने प्रोडक्शन कितना किया है? सर 80,000। अरे आप बताओ कि क्या जो एक्चुअल प्रोडक्शन आपने किया है क्या वो नॉर्मल को एक्सीड कर रहा है क्या? नहीं सर, नहीं, नॉर्मल को एक्सीड नहीं कर रहा। तो मेरे बच्चे जब तक वो नॉर्मल को एक्सीड नहीं करेगा तब तक मैं हमेशा क्या करूंगा, मैक्सिमम कैपेसिटी से ही इसको डिवाइड करूंगा कॉस्ट पर यूनिट को निकालने के लिए। यहां भी 5, यहां भी 5 आपका। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं केस नंबर 3 में आपका आऊं, केस नंबर 3 में, तो 5 लाख का जो आपका एक्सपेंस हुआ है, 5 लाख का जो एक्सपेंस हुआ है, जरा सुनना, केस नंबर 3 यहां पे आएगा, इस एक्सेप्शन में कवर होगा। देखो मैंने क्या लिखा। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन, जरा बताओ केस 3 में आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है? सर 1,25,000। मेरे बच्चे ये 125 है, आप लिखना नहीं, सुनना मेरी बात। अगर ये एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीड कहता है नॉर्मल को, बताइए नॉर्मल यानी कि मैक्सिमम कितना है? 1 लाख। देखो 1 लाख से एक्सीड कर गया, तो उस केस में फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो होगा वो एलोकेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल, और एक्चुअल क्वेश्चन में कितना है जी? 125। एक्चुअल यानी कि जितना हमने प्रोड्यूस किया। पर बच्चे इसका मतलब ये थर्ड वाले केस में आप जो डिवाइड करोगे 1 लाख से नहीं, 1,25,000 से, ज्यादा लिख दिया हमने 125। बताओ कितना निकल के आ गया? सर 4 रुपीज आपका, 4 रुपए निकल के आया। तीनों केस खत्म हो गई बात। पहले वाले केस में 5, दूसरे वाले में 5, और तीसरे में क्या निकल के आया आपका? 4 रुपीज निकल के आया बच्चे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बताओ इसमें क्या दिक्कत है आपको? बोलो ना क्या दिक्कत है, इसमें कुछ परेशानी है क्या आपको? नहीं सर, नहीं, कोई परेशानी नहीं है सर, ये तो बड़ा सिंपल लगा। आपने जो बातें बताई हैं यहाँ पे, आपने जो बातें बताई हैं उसके मुताबिक तो क्वेश्चन सर क्लियर है। यहाँ पे आपने पहले वाले केस में आपने नॉर्मल से, दूसरे में भी नॉर्मल में, और तीसरे में अगर एक्चुअल आपका नॉर्मल को एक्सीड कर जाएगा तो एक्चुअल से डिवाइड किया जाएगा। दिस इज एक्सेप्शन जो मैंने नोट में लिखा था। सर बात तो ठीक है, लेकिन सर एक कंफ्यूजन दिमाग में है। पूछो ना क्या पूछना चाहते हो? सर एक बात बताओ, आप कहते हो कि नॉर्मल आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा हम कैसे बना सकते हैं सर फैक्ट्री के अंदर में? अगर मेरा बनाने की कैपेसिटी मान लो 5 आइटम की है तो मैं 6 कैसे बना सकता हूं? बनते बच्चे होते हैं, मैं आपको बताऊं ये क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी ओवर टाइम कर लिया, ज्यादा काम, प्रेशर आ गया, आपने ज्यादा काम बढ़ा लिया, होता है बच्चे, हर एक फैक्ट्री में होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। जितनी कैपेसिटी आपकी मैक्सिमम है, अगर उससे ज्यादा प्रोडक्शन कभी ओवर टाइम कर लिया, कभी ज्यादा लेबर को डाल दिया, बहुत स्पीडी वर्क कर लिया, कभी कभी होता है, तो आप चिंता ना करें, होता है और होगा तो फिर इस तरीके से आप एलोकेशन करेंगे। आई बात समझ में सर? हाँ सर, अब बातें समझ में आई। तो जरा सुनो शॉर्ट में अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार ध्यान से सुनेंगे, रिकॉल करेंगे दिमाग में, आप सुनते चलना। इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए हमने कहा इन्वेंट्री 3 तरीके का होता है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। अभी हम फिनिश गुड्स पे आए हुए हैं, इनको वैल्यू करने के लिए 2 चीजें कंपेयर किया जाएगा, कॉस्ट प्राइस एनआरवी, एनआरवी का मतलब मैंने बताया था सेलिंग प्राइस में माइनस करके आपका क्या जी, जरा बताओ सेलिंग प्राइस में क्या बोला था माइनस करने के लिए? सर जो भी एक्सपेंसेस डायरेक्टली सेल से जुड़े हुए हैं। फिर हमारा एनआरवी निकल के आ गया। कॉस्ट निकालने का तरीका क्या बताया? पहला मेथड स्टैंडर्ड कॉस्ट, वो ना तो रिटेल प्राइस मेथड, ना तो फिर क्या टू बी कैलकुलेटर, कैसे निकाला जाएगा मैंने बताया। इन दोनों में से लोअर जो होगा उस पर हम स्टॉक को वैल्यू करेंगे। आई बात समझ में सर? हाँ सर, हाँ, अब बातें सर समझ में आई है। आप कहो तो मैं अब इसको मिटा दूं क्या? मिटा दूं सर, अब हमें ये बातें समझ में आ गई हैं, अब हमें इसकी कोई यूज नहीं है। लो मैं इसको हटा देता हूं। हमारा चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये पता नहीं कैसे इतना आगे निकल गया, हमें समझ में ही नहीं आया, ये तो सारी बातें खत्म होने वाली है। सर उसको भी मिटा दो ना, ऊपर वाला ना बचे ना, अभी नहीं, मुझे उस पर भी कुछ बातें आपके साथ करनी है। ये जो ऊपर में है ना, इस पर भी कुछ बातें मुझे आपके साथ करनी है। थोड़ा सब्र तो करो, मैं आपको बताता हूं आखिर ये क्या बोलना चाहता है। आओ जरा सुनो ये क्या बोलना चाहता है, जरा सुनेंगे आप ध्यान से यहां क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप मेरे साथ यहाँ पे जी, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप यहाँ पे, सर क्वेश्चन छोड़े, हाँ मैं आपसे कुछ बोलना चाहता था, ये ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। देखो मैंने कहा कि अगर आप फिनिश गुड्स को वैल्यू करोगे तो उसके कॉस्ट में इतनी सारी बातें आएंगी, इतनी सारी, ये पांचवा पॉइंट था हमारा, पांचवा पॉइंट था।
अब देखो लिखो यहां पे 6.6 लिखेंगे कि कौन सी चीजें आपका एक्सक्लूड की जाती हैं। लिखेंगे यहां पे अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो लिखेंगे आप फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड। हम इन खर्चों को एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एग्जाम में आ जाए कि बताओ जी कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो फिनिश गुड्स की कॉस्ट में नहीं आते। तो मेरे बच्चे आप डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन यानी कि फैक्ट्री के खर्चे छोड़ के बाकी जितने सारे खर्चे होते हैं ना सब एक्सक्लूड करते हैं सब। जैसे कि लिखिए आप यहां पे जैसे कि अंदर में आपका आप लिखेंगे नंबर ए कहते हैं कि अगर कोई आपका एबनॉर्मल लॉस हो जाए। एबनॉर्मल लॉस कोई भी एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं खर्चे होते हैं चाहे किसी तरीके से ड्यू टू फायर हो जाए थेफ्ट हो जाए फिर बच्चे ये खर्चे आपका यहां पे पार्ट नहीं कहे जाएंगे वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बी में लिखेंगे आप यहां पे आपका जो स्टोरेज एक्सपेंस होता है। स्टोरेज एक्सपेंस का मतलब हो गया ब्रैकेट में फॉर एग्जांपल जैसे गोडाउन रेंट हो गया गोडाउन तक पहुंचाने तक का जो खर्च होगा ना वो तो अदर कॉस्ट में आएगा लेकिन गोडाउन का रेंट हो गया उसके बाद के खर्चे वो नहीं आएगा। नंबर सी बोरविंग कॉस्ट का मतलब हो गया जैसे कोई इंटरेस्ट पे किया आपने फॉर एग्जांपल लिखो यहां पे इंटरेस्ट बच्चे इंटरेस्ट अगर कुछ हमने पे किया है लोन पे जो हमने इस गुड्स को बनाने में यूज किया है वो हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं कहा जाएगा। फिर लिखिए इसके बाद के आपके जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज वो भी हमारे गुड्स में पार्ट नहीं कहा जाएगा। और ई लिखना आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज जो होते हैं वो भी हमारे कॉस्ट के पार्ट नहीं बोले जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर बात कही जाए तो हमने कहा कि भैया फैक्ट्री तक के जो खर्चे होंगे वो तो आपके कॉस्ट के पार्ट होंगे फैक्ट्री के बाद के जो खर्चे होते हैं वो आपके कॉस्ट के पार्ट नहीं बोले जाएंगे। आई बात समझ में सर हाँ ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं यहां पे आपके लिए लिख दो लिखेंगे यहां पे इम्पोर्टेंट नोट बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं आपने लिख देना फॉर मी सिर्फ आपके लिए क्यों जी लिख देना बिकॉज आई एम सो स्पेशल आप बहुत स्पेशल हो मेरे लिए बहुत स्पेशल हो मेरे बच्चे इसलिए मैं आपको ये नोट दे रहा हूं जरा सुनना ध्यान से क्या मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये रहा आपका फैक्ट्री और ये रहा आपका गोडाउन ठीक है ना। फिर आपको मैं दिखाता हूं ये रहा आपका गोडाउन से मैं अगर बात करूं मान लो ये रहा आपका शोरूम और शोरूम से ये रहा आपका कस्टमर का ये रहा घर जहां पे गुड्स को आपने क्या करना है डिलीवर्ड करना। ये घर मैंने बना दिया आपके लिए दरवाजे भी चलो थोड़ा सा खिड़की भी ठीक लगता है घर में हवा आती है ठीक है ना। ये कस्टमर का घर रहा मेरे बच्चे आप ध्यान देना मैंने क्या बताया आपको ये फैक्ट्री से गोडाउन तक पहुंचाने तक का ये जो आपने फ्रेट पे किया है फ्रेट एक तो यहां फ्रेट लग रहा होगा और एक जो आपका शोरूम से गुड्स को जो आपने कस्टमर के पास डिलीवर्ड किया इसमें भी आप यहां पे फ्रेट पे कर रहे हो ये हो गया आपका फ्रेट हो गया यहां पे। पर बच्चे ये जो है ना फ्रेट ये कहां ऐड किया गया है ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया आपका गोडाउन तक पहुंचाने तक का तो ये जो होगा ना लिख देना ये इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये ऐड किया जाता है ना बच्चे। और ये जो फ्रेट है कहता है कि इट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग आपका NRV नेट रिलेजल वैल्यू।
इसके बीच का कोई मतलब नहीं है, ना कॉस्ट में आएगा ना वो, तो ऐसे खर्च माना जाएगा। मतलब जहां पे हमारा एस टू रेलिवेंस है, इसमें एक फ्रेट ये हो गया, एक ये हो गया, अगर यहां तक की बात करेगा तो कॉस्ट में ऐड करेंगे, ये तो आपका एनआरवी निकालने में इसको कंसिडर किया जाएगा। आप सुन लो मेरी बात यहाँ पे, सर ये बात आप क्यों समझा रहे हो, इतनी छोटी छोटी बात, आपको कुछ हो गया क्या सर, आपको कुछ हो गया है? अरे हम जानते हैं सर, हम जानते हैं, आप खामोखा। अरे नहीं जानते, अगर आप जानते होते ना तो फिर मुझे कराने की नौबत नहीं आती बच्चे, नहीं जानते आप। एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आया इस टॉपिक को लेकर, छोटा सा ट्विस्ट कर देता है और आपकी पूरी हालत खराब हो जाती है। आप एग्जाम में अपने औकात दिखा देते हो कि हम क्या हैं, इतने गंदे गंदे तरीके से आप आंसर करते हो कि मैं क्या बताऊं, शर्म आता है कि हम कॉपी चेक भी क्यों कर रहे हैं, ऐसी नौबत आ जाती है। सर ऐसे बेइज्जत ना करो ना बच्चे, सच्चाई बता रहा हूं, कहां बेइज्जत कर रहा हूं। अरे आओ जरा इसी पे एक क्वेश्चन बन गया एग्जाम में, जरा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 आपके बुकलेट का, क्वेश्चन नंबर 20 जरा चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बता रहा है, और देखो आपने कितने अच्छे तरीके से, मतलब कितने गंदे तरीके से क्वेश्चन किया था। लिखे इस बात को समझने के लिए सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 का आपका, पढ़ो जरा क्या बता रहा है क्वेश्चन में, पढ़ना 20 क्या बता रहा है, अरे पढ़ो तो 20 क्या बता रहा है। सुनार भंडार डील्स इन ओल्ड कलर टेलीविजन, इट हैज फोर टाइप टेलीविजन, द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर गिवन बिलो, यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट फॉर देयर एंडिंग ऑन 31st March 2009। देखो टीवी कहता है, एक तो ओनिडा है, फिलिप्स है, ईसी है, सोनी है, इनका कॉस्ट प्राइस बता रहा है कॉस्ट प्राइस, और फिर कहता है कि एक्सपेंसिज इनकर्ड टू ब्रिंग इन टू सेलेबल कंडीशन। अरे कहता है कि जो कॉस्ट प्राइस है ना, इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी खर्चे किए गए हैं, जो खर्चे हमें करना पड़ा उनको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए, सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए। ये देखो आप यहां पे कहता है कि वो खर्चे जो सेलेबल कंडीशन में आपका, या फिर इसको हम ऐसे कहें, थोड़ा इसको चेंज कर देता हूं मैं, सही कर देता हूं, आपके पास सही आएगा, टू ब्रिंग इन टू गोडाउन कह देते हैं इसको, गोडाउन में, गोडाउन में लाने तक में, आपके बुक में गोडाउन दिखेगा बच्चे, लाने में जो आपने खर्चे किए, तो आप बताओ गोडाउन में लाने तक में जो खर्चे किए वो आपके एक्सपेंसेस बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि जरा बताओ, वो इस एक्सपेंस की बात कर रहा है कि इसकी कर रहा है? सर इसकी बात कर रहा है। तो मेरे बच्चे जब आप लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन में, वो क्या बोल रहा निकालने के लिए, कंप्यूटेशन लिखिए यहां पे, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी शोन इन बैलेंस शीट। अगर हमें बैलेंस शीट में दिखाना है, बैलेंस शीट में दिखाना है तो हम क्या करेंगे जी, देखो एक तो चारों आइटम अलग अलग है, तो हमें क्योंकि यहां पे कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी पता है, हमें आइटम बाय आइटम बेसिस को फॉलो करना पड़ेगा बच्चे, चारों डिफरेंट आइटम आपका है, तो आइटम मैंने कहा था ब्रांड अलग हो, तो आइटम बाय आइटम बेसिस को आप फॉलो करेंगे, आइटम बाय आइटम बेसिस आपका। देखो मैं क्या करूंगा, आपके पास जो यहां पे टीवी है ना उसका नाम लिखो, टीवी कौन कौन सा नाम है, एक कहता है ओनिडा, एक कहता है आपका फिलिप्स, सब कंपनियां पता नहीं कहां चली गई है ना, एक है ईसी, इसका तो पता नहीं नाम भी नहीं सुनता मैं, अब सोनी थी वो भी चले गई हमारे इंडिया से, चलो कोई बात नहीं। अब ये चार आपका टीवी है, इन चारों का यहां पे कॉस्ट प्राइस हमें लेना है, कॉस्ट प्राइस, और यहां पे क्या लेना हमने, एनआरवी लेना है। फिर आपको आइटम बाय आइटम है, यानी कि आप लोअर यहां लेंगे बच्चे, लोअर लेंगे वही वैल्यू कहा जाएगा। ओनिडा का कॉस्ट मेरे बच्चे, कॉस्ट जो है ना वो सिर्फ 10,000 नहीं, ये तो 10,000 हमें लगता है कि सिर्फ इस कॉस्ट की बात कहता है, इस कॉस्ट की बात, एक्सपेंसेस जो आपने इनकर्ड किया टू ब्रिंग इन टू गो डाउन वो भी तो ऐड किया जाएगा, मतलब टोटल कॉस्ट आपका 10+3 कितना हो जाएगा, 13,000। चलो बताओ फिलिप्स का कितना हो जाएगा, 20+2 22,000, हमें गोडाउन तक पहुंचाने तक का भाड़ा भी तो ऐड करना है, तीसरे का 40 हो जाएगा, चौथे का बताइए सर 50,000, उसका तो कोई खर्च है ही नहीं दूसरा, और इनका कितना बता रहा जी आपका, बस हो गया ये चारों का मिल गया आपका है ना, इनका एनआरवी बताओ 18,000, यहां पे आपका 30,000, यहां पे आपका 36,000, और यहां कहता है कि 55, ये लीजिए मुझे इसका लोअर निकालना मेरे बच्चे, तो इसका लोअर कितना आ गया 13,000, इसका लोअर बताइए 22,000, इसका लोअर सर 36,000, और लास्ट वाले का 50,000,
सर एक सवाल दिमाग में आ रहा है, मुझे पता है, पहले लिख दो फिर मैं बताऊंगा क्या आपके दिमाग में सवाल है, पहले लिखो यहाँ पे। तो 13,000 प्लस 22,000 प्लस आपका 36,000 और प्लस आपका 50,000, तो बच्चे अमाउंट आपका हो गया 121,121। यही वैल्यू आपका बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। पता सवाल क्या है सर, एक बात बताओ, जब क्वेश्चन में उसने कॉस्ट वर्ड लिख ही दिया तो सर आपने तो कहा कि कॉस्ट का मतलब ये सारा होता है, सब कुछ है, तो फिर सर आपने वो ट्रांसपोर्ट खर्चे अलग से क्यों ऐड किए? बिल्कुल जायज सवाल है बच्चे, बिल्कुल सही। अगर आप में से कोई बच्चा कहता है कि नहीं भैया हम तो ये मानेंगे कॉस्ट का मतलब पूरा कॉस्ट आप बता दिए, और अगर आप इसको इग्नोर करते हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन अगर वो अगर मतलब अच्छा लगता है कि जब वो क्वेश्चन ऐसा दिया है तो वो जानना चाहता है कि बच्चों को कॉस्ट का मतलब पता है कि नहीं पता, तो इसलिए हमने ये एज्यूम किया। लिख दो यहाँ पे एज्यूम्ड, लिखेंगे यहाँ पे नोट, एग्जाम में लिख देना यहाँ पे नोट, एज्यूम्ड कि जो आपका क्या नाम था जी, वो आपका एक्सपेंसेज इनकर्ड टू ब्रिंग स्टॉक इन गोडाउन इज नॉट इंक्लूडेड इन गिवन फिगर ऑफ स्टॉक। मैंने ये मान लिया कि उसमें नहीं मिला हुआ, इसलिए हमने क्या किया जी, दिखा दिया। अगर मेरे बच्चे अगर ध्यान देना कि अगर ये नोट लिखा, इसका मतलब कि हमने ऐड करना है, अगर आप लोग नहीं जी इसमें मिला हुआ है पहले से, तो फिर आप लिख देना कि हमने एज्यूम कर लिया कि वो कॉस्ट इसमें पहले से मिला हुआ है, फिर कुछ नहीं करेंगे, फिर जो कॉस्ट लिखा वही लिखा जाएगा, एनआरवी को कंपेयर करके निकालेंगे, दोनों में पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपको परेशान नहीं होना। क्वेश्चन जब इस तरीके से बताएगा तो क्या करेंगे जरा बताओ, हम गलत थोड़े ही हैं, हम मतलब मैं और आप गलत थोड़े ही हैं, ये भी काम खत्म हुआ। तो ध्यान रखना, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि जो एक्सपेंसेज आपके फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे, वो सिंपली फैक्ट्री के बाद के सारे खर्चे, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो, स्टोरेज का हो, सेलिंग का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, ऑफिस के खर्चे, ये सारे खर्चे आपने हटाना है। और एक छोटी सी बात मैंने बता दी, ये फ्रिट कहाँ हो जाता है, ये फ्रिट कहाँ जाता है। अगर एग्जामिनर कभी आपको परेशान करने की कोशिश करे तो आप उनको सावधान कर देना कि ना हमसे ना लड़ो, हम कुछ अलग हैं। तो ये हमने काम पूरा किया आपका, ठीक है ना। एक बात और आ जाओ, सर कितनी बातें कराओगे सर, बहुत बहुत सर थक गए ना बच्चे, ना अभी थकना नहीं, अभी थकना अलाउड नहीं है, ना मुझे ना आपको, ये तो अब खत्म होने वाला है एएस आपका, ये तो खत्म हो, फिर तो छोटा सा प्रैक्टिस फिर काम खत्म होगा। लिखो सातवां पॉइंट आपका, सेवेंथ पॉइंट है कि ये जो जैसे हमने इसका डिटेल देखा, ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है इसमें ये कैसे निकाला जाता है। लिखेंगे आप सेवेंथ यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल जो आपके हैं उनका कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा, जरा हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि आखिर उसके कॉस्ट को हम कैसे निकालते हैं। लिखिए मेरे साथ यहां पे, लिखेंगे इसके अंदर में क्या क्या आएगा, लिखना डैश देके, इट इंक्लूड्स, इसमें मिला होता है क्या जी, एक तो परचेज प्राइस, लिखेंगे आप यहां पे परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, आपका जो रॉ मटेरियल है हम एक तो उसका परचेज प्राइस लेंगे, परचेज प्राइस, फिर इसमें मेरे बच्चे हम ऐड करते हैं टैक्सेज ऑन परचेज, अगर परचेज पे आपने कोई टैक्सेज पे किया वो ऐड करेंगे आप यहां पे, वो ऐड करेंगे आपने ऐड करना होता है यहां पे कमीशन ऑन परचेज, अगर परचेज पे कमीशन पे किया, सुन लो मेरी बात, परचेज पे किया तो कॉस्ट में आ जाएगा, सेल पे कमीशन पे किया तो एनआरबी में चला गया था, हम अभी मटेरियल कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो जो परचेज प्राइस है, कोई टैक्सेज पे किया हमने परचेज पे, कोई कमीशन पे किया, कोई फ्रेट हमने पे किया, लो एक और फ्रेट आ गया, फ्रेट हो जाए, कार्टेज हो जाए, कैरेज हो जाए, सबका मतलब सेम, लेकिन अगर परचेज के टाइम पे किया मेरे बच्चे, परचेज के टाइम पे सर ये कौन से खर्चे हैं, ये देखो आपका जब मार्केट जहां से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ओ एक मैं पहले पूरा लिख देता हूं मैं यहां पे, उसके बाद फिर इसमें से माइनस कर दो, अगर कोई आपको यहां पे ट्रेड डिस्काउंट मिला है, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक आपका हुआ है, मतलब कोई टैक्सेज अगर रिफंड हो गए ड्यूटी ड्रॉबैक, तो आप उसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये तो आपने पे किया ही नहीं,
इनको प्लस माइनस करके फिर जो अमाउंट आएगा उसी को हम कहेंगे आपका कॉस्ट. ये माइनस हुआ है बच्चे, ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. बात समझ में आ गई? सर ये कौन सा फ्रेट है बता दो ना, अभी डायग्राम बना रहे थे. पर बच्चे ये मार्केट है, ये रहा मार्केट जहां से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, और मार्केट से लेकर फैक्ट्री जहां पे गुड्स को आपने प्रोड्यूस करना है, इसके बीच का जो फ्रेट आपने पे किया होगा, फ्रेट कह दो, कार्टेज कह दो, कार्टेज कह दो या कह दो कैरिज, कोई भी भाड़ा होता है सबका मतलब. तो ये जहां पे आपको गुड्स लेके आना है, ये जो पे किया वो उस फ्रेट की बात कर रहा है आपका, ठीक है ना. तो इस तरीके से हमने इसका भी कॉस्ट आपका निकाल दिया. मतलब इंडेक्स में जब अगर एग्जामिनर बहुत आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो भी हमने बातें आपको यहाँ पे बता दी. सर ठीक है सर, और बताओ सर और क्या हमें करना है. बस मेरे बच्चे काम अब पूरा होने वाला है, पहले यहां तक कॉपी कर लो, फिर मैं आगे की बातें करता हूँ आपका. जल्दी से कॉपी कर लेंगे आप यहाँ पे. सर ये तो हो गया सर, ये हो गया सर. मैं काम करता हूँ, अब इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हमारा पर्पस इसको रखने का पूरा हो चुका है, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ये लीजिए, इसको भी मिटा दूं. मैंने एक एक वर्ड आपको प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर दिए हैं कि हर एक वर्ड का क्या मतलब यहां पर निकल के आता है, क्या मतलब निकल के आता है. ठीक है बच्चे, बोलो ठीक है. अरे ठीक है सर, हाँ सर हाँ. आओ जरा अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा इसका एक और लास्ट टॉपिक है बच्चे, उसको करें, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन में एंट्री कर जाएंगे, आपको मजा आएगा. लिखिए जरा अगला टॉपिक आपको यहाँ पे हेडिंग डालेंगे. कितने हमारे नोट हो चुके थे? आई थिंक 5, 6, 7 हो चुका था, मैं भूल चुका हूँ, मिटा दिया, बट 7 था. तो 8 मानते हुए जो भी नंबर होगा आप लिख लेना, मैं 8 मानते हुए अब यहाँ पे आपको बता रहा हूं. लिखेंगे अगला टॉपिक आपका है कॉस्ट फॉर्मूला. कॉस्ट फॉर्मूला, सो कॉस्ट फॉर्मूला क्या होता है लिखेंगे आप यहां पे, लिखेंगे यहां पे डैश देके. कहता है कि इफ द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इफ द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज, लिखेंगे यहां पे केस नंबर वन यूनिक मतलब बिल्कुल डिफरेंट है सब जगह सबसे आपका. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कहते हैं कि जैसे कॉन्सेप्ट कार जो होते हैं, कॉन्सेप्ट कार्स, सर कॉन्सेप्ट कार का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा, लिखो यहां पे. तो इस केस में कहते हैं यूज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. और लिखेंगे केस नंबर टू कहता है कि अगर आपका यहां पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है वो इज जनरल, अगर वो जनरल है तो कहते हैं कि आपका यहां पे उस केस में आप लिखेंगे यहां पे उस बेस में नंबर ए लिखेंगे फीफो मेथड. सर ये क्या होता है अभी बताऊंगा. और बी लिखो यहां पे, बी में आपका वेटेड एवरेज मेथड. ये दो मेथड हमारे पास यहां पे है, एक फीफो, दूसरा आपका वेटेड, ठीक है ना. और हां इसको हम यहां पे मेरे बच्चे इसको ये दो मेथड को हम यहां पे लॉट बेस वैल्यूएशन के नाम से भी जानते हैं. लॉट बेस वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है अभी आगे बताऊंगा, पहले आप लिख दो यहां पे आपका ये काम हमारा पूरा हो गया. अब हम अंत में आ चुके बच्चे. देखो अभी तक हमने क्या किया, हमने फिनिश गुड, सर ये समझाया नहीं आपने, समझाऊंगा थोड़ा सा वेट करो. हाँ आप चाहो तो फीफो का फुल फॉर्म लिखा सकता हूं. फीफो का मतलब होता है फर्स्ट आउट मेथड, इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. तो आप लिख दो इसका डिटेल क्या है, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा. पहले अभी ध्यान देना, अभी तक हमने पता क्या किया बच्चे, हमने फिनिश गुड्स को वैल्यू करने का एक एक तरीका देख लिया आपका. इसका मीनिंग थोड़ा सा वेट करो, आगे का पॉइंट आपका है. अब फिनिश गुड्स के बाद जो हमारा बाकी बच गया ना, वो आपका रॉ मटेरियल WIP, अब उसके बारे में बात कर लें. लिखो जरा 9th नंबर यहां पे, 9 डालेंगे हेडिंग वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑब्लिक WIP. जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो हमारा WIP है यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस,
इसको कैसे वैल्यू किया जाता है हम ये भी समझते हैं। छोटी सी बात है, ध्यान सुनना। मैं ना क्यों ना इसको एक डायग्राम से आपको समझाऊं। एक्चुअली मेरे बच्चे, जब रॉ मेटेरियल और आप WIP को वैल्यू करते हो ना, तो इसका वैल्यूएशन डिपेंड करता है फिनिश गुड्स के ऊपर में। सर कहने का चाहते हो, कहता है आपको चेक करना पड़ता है कि फेदर सेल ऑफ फिनिश गुड्स, फेदर सेल ऑफ फिनिश गुड्स आर प्रॉफिटेबल, क्या इनसे जो फिनिश गुड्स बनने वाले हैं उनका सेल प्रॉफिटेबल है, या फिर वेदर सेल ऑफ फिनिश गुड्स आर नॉट प्रॉफिटेबल। हमें ये देखना होता है बच्चे कि आपका जो फिनिश गुड्स है उसका सेल प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है। कहते हैं कि अगर आपका फिनिश गुड्स, मतलब इस रॉ मटेरियल से जो गुड्स बनने वाला है, अगर उनका सेल प्रॉफिटेबल है, तो लिखना कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑब्लिक WIP वर्किंग प्रोग्रेस इज वैल्यूड ऑलवेज एट इट्स कॉस्ट प्राइस। बच्चे हमेशा आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू करोगे। ऑलवेज को कर देना आप यहाँ पे अंडरलाइन, ऑलवेज को कर देना अंडरलाइन। ये हमेशा वैल्यू किया जाएगा आपका कौन से प्राइस पे, जी कॉस्ट प्राइस पे, ये हमने कर दिया यहाँ पे अंडरलाइन। लेकिन अगर सेल ऑफ फिनिश गुड्स प्रॉफिटेबल नहीं है, अगर नहीं है, तो लिखना यहाँ पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है, सिंपल शब्दों में कह सकते हैं इसकी मार्केट प्राइस जो आज होगा मेरे बच्चे वो आपका, ये इसका होता है। सर समझ में नहीं आया। लिखो मैं इसको समझाता हूँ। और मेरे बच्चे इस बात को समझाने के लिए आपको मैं एग्जाम्पल यहां दिखाता हूं। एग्जाम्पल नंबर पता नहीं कौन सा था, 1 कर देता हूं मैं यहां पे। लिखना यहां पे मेरे साथ। कहता है कि ये रहा हमारा कॉस्ट प्राइस, आप देख लो मैं कितना जगह लूंगा, और ये रहा हमारा मार्केट प्राइस। 2 कॉलम मैंने बनाया है मार्केट प्राइस। फिर यहां कहता है आपका स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कहता है कि जो आपका स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है उसकी कॉस्ट यहां पे 8 लाख रुपीज दिया हुआ है, और इसका मार्केट प्राइस कहता है कि 9 लाख का अमाउंट, ठीक है ना। फिर कहता है कि जो आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो आपका है, कहता है कि इसकी कॉस्ट 2,50,000 है, जो रॉ मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है वो 250 का है, और मार्केट प्राइस कहता है मुझे यहां बोलता है कि 2,10,000। मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कहता है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल। हमें दोनों का यहां पे क्या करना है, वैल्यू को निकालना है, कि हमारा जो फिनिश गुड्स है और जो हमारा रॉ मटेरियल, मेरे बच्चे आखिर उसकी वैल्यू कितनी रिकॉर्ड की जाएगी। आप प्लीज लिखो यहां पे, फिर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं सॉल्यूशन के अंदर में ये काम कैसे किया जाएगा। देखो जरा ये कैसे निकाला जाएगा। मैंने पहले आपको बता रहा हूं यहां पे फिनिश गुड्स की वैल्यू लिखो यहां पे, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मुझे पहले फिनिश गुड्स की वैल्यू जाननी होगी। आप जानते हैं कि जब इसका वैल्यू करते हैं, हम दो चीजें लेते हैं बच्चे, एक तो लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस। जरा बताओ फिनिश गुड्स का कॉस्ट प्राइस कितना बता रहा है, सर 8 लाख। अच्छा बताओ दूसरा हम क्या लेते हैं, सर NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कहीं कमीशन कुछ बता रहा क्या, सेल पे कोई कमीशन कोई खर्चे नहीं सर, तो फिर यही मान लेंगे हम, भगवान थोड़े ही है, हमने यही मान लिया जी। तो चलो बताओ वैल्यू जो रिकॉर्ड होगी वो कौन सी होगी, सर इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, यानी कि 8 लाख।
तो मेरे बच्चे 8 लाख पे आपका स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहां पे वैल्यू किया जाएगा, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, जो उसका एनआरवी है, उन दोनों में से जो लोअर होगा उससे वैल्यू करेंगे, जो कि 8 लाख आया। अब मुझे रॉ मटेरियल को वैल्यू करना है, तो लिखो यहां पे वैल्यू ऑफ या फिर ऐसे लिखेंगे, जरा सुनना, लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो हमारा रॉ मटेरियल है उसके स्टॉक की वैल्यू कैसे निकाले जाएगी, रॉ मटेरियल के स्टॉक की वैल्यू कैसे निकाले जाएगी, जरा सुनना मेरी बात। देखो, जब रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हैं ना बच्चे, रॉ मटेरियल को, तो हमें यह चेक करना होता है, ये देखो कि क्या सेल जो फिनिश गुड्स का है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। जरा बताओ, जिसकी कॉस्ट 8 लाख है, अगर बेचू तो मुझे 9 लाख मिलेगा। अब बताओ फिनिश गुड्स का सेल प्रॉफिटेबल है कि नहीं, बोलो ना। अरे जिसकी कॉस्ट 8 लाख है, बेचू तो 9 में बिकेगा, अब बताओ सेल प्रॉफिटेबल है कि नहीं। सर प्रॉफिटेबल है, सर प्रॉफिटेबल है, हम प्रॉफिट कमाएंगे। पर बच्चे उस केस में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो आपका है, लिख रहे इसके बारे में, सिंस सेल ऑफ फिनिश गुड्स आर प्रॉफिटेबल, वो प्रॉफिटेबल है, कॉमा, हेंस स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट इट्स, एक मिनट, अभी यहां देखो। अरे देखो, तो अगर सेल प्रॉफिटेबल है तो स्टॉक को हमेशा कौन से वैल्यू पे दिखाएंगे हम, कॉस्ट प्राइस पे। तो बताइए रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है, 250, विल बी वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट प्राइस। और मेरे बच्चे ये आपका दैट इज कितना जी, 2,50,000। लीजिए आंसर आपका हो गया। कहते हैं कि फिनिश गुड्स का अगर सेल प्रॉफिटेबल है, अगर इस स्टॉक से जो फिनिश गुड्स बनाओगे अगर उसका सेल प्रॉफिटेबल है, तो उस केस में आपका स्टॉक जो होगा वो हमेशा किसे वैल्यू किया जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे, वही वैल्यू आपने दिखा दी। और ये स्वाभाविक सी बात है बच्चे, इसको रटना थोड़े है, जरा सुनो ना, लॉजिक लगाओ मैं क्या बता रहा हूं। आप मुझे बताओ कि अगर मान लो इसको फिनिश गुड्स को बेच के अगर मुझे प्रॉफिट होगा, तो क्या कोई भी आदमी को रॉ मटेरियल को वो ऐसे ही बेचना चाहेगा क्या? अगर मान लो मुझे पता है कि इसको बेच के मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, तो इसका जो रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, क्या उसको बेचना चाहूंगा क्या? नहीं सर, नहीं चाहूंगा, क्योंकि प्रॉफिट कमाऊंगा, नहीं बेचना चाहूंगा। पर बच्चे उस केस में फिर रॉ मटेरियल का मार्केट प्राइस क्या है ना, वो यूजलेस इन्फॉर्मेशन है, हम क्यों उसको जाने जब हमें उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या, फिर आप रॉ मटेरियल को हमेशा कॉस्ट प्राइस ही वैल्यू करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाए, लिखो मेरे साथ यहां पे, मैं इसको मिटाऊंगा इस आंसर को। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा हो चुका है, अब लिखो यहां पे एग्जाम्पल नंबर 2, लिखेंगे आप यहां पे एग्जाम्पल नंबर 2, लिखना एग्जाम्पल नंबर 2। कहता है कि एज्यूम इन प्रीवियस एग्जाम्पल, मान लो जो प्रीवियस एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, मतलब 1 लिखेंगे यहां पे, कमीशन पेबल ऑन सेल पर जो कमीशन पे करना है इज, कहता है कि 20%। लो, मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया, इस बार कहता है कि भैया आपको जो फिनिश गुड्स बेचना है ना, उसमें कमीशन भी पे करना है 20%। बोलता कि अब जरा बताओ वैल्यू क्या निकल के आएगा। आइए देखेंगे सॉल्यूशन में। पहले मैं आपको बताऊं, हमेशा पहले स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को आपको वैल्यू करना है, स्टॉक ऑफ जो फिनिश गुड्स है हमें उसको वैल्यू करना है। आप जानते हैं कि इसको वैल्यू करते समय दो चीजें हम कंपेयर करते हैं, एक तरफ आपका कॉस्ट प्राइस और एक तरफ हम कंपेयर करते हैं आपका एनआरवी। बताओ जरा कि फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी है, 8 लाख का अमाउंट। अच्छा बताओ अब एनआरवी कितना है, क्या 9 लाख से क्या? नहीं सर, नहीं, 9 लाख में से हमें 20% यानी कि 1,80,000 का सर कमीशन पे करना पड़ेगा, यानी कि एनआरवी सर 720 का अमाउंट निकल के आ गया, 720। मुझे बताओ इन दोनों में से लोअर क्या निकल के आ रहा है? सर इस बार 720 आया सर,
यानी कि एनआरवी, तो 720 पे वैल्यू किया जाएगा, 720 पे। आई बात समझ में सर? हाँ सर हाँ, लेकिन मुद्दा यहां नहीं है, मुद्दा है रॉ मटेरियल के बारे में। अरे जरा एक बात बताओ, एक बात बताओ, सुनो तो मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुनो, अरे सुनो तो, दो मिनट आपसे बात कर रहा हूं। एक बात बताओ, इसको देख के बताओ कि क्या फिनिश गुड्स का सेल प्रॉफिटेबल है क्या? प्रॉफिटेबल है क्या? नहीं सर, नहीं, ये तो लॉस हो रहा है सर। आप देखो ना, 8 लाख का सामान अगर 720 में बेचता हूं तो सर हमें तो लॉस होगा, सर लॉस होगा। देखो ना क्या बोला गया था, अगर सेल ऑफ फिनिश गुड प्रॉफिटेबल नहीं है तो फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो होगा ये वैल्यू किया जाएगा लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जो इसका कॉस्ट प्राइस है यानी कि ये रिप्लेसमेंट यानी कि जो मार्केट प्राइस है, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। लिखिए यहां पे, सिंस सेल ऑफ फिनिश गुड्स आर नॉट प्रॉफिटेबल कॉमा हेंस स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस आगे ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस कितना है 2,50,000 एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी कि अगर मैं इस रॉ मटेरियल को रिप्लेस कर दूं, बेच दूं, तो बताओ एज इट इज बेचने पे हमें कितना मिलेगा सर? 2,10,000। तो 2,10,000 आपका इस दोनों में जो लोअर होगा उस पे वैल्यू किया जाएगा। हेंस लिखना स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का जो स्टॉक का वैल्यू होगा मेरे बच्चे वो कितना हो जाएगा जी? 2,10,000 लोअर पे वैल्यू किया जाएगा। ये काम पूरा हो गया। तो ये मैंने आपको दिखाया, चाहे वो WIP हो, चाहे वो आपका रॉ मटेरियल हो, मेरे बच्चे इस तरीके से आप यहाँ पे स्टॉक को वैल्यू करेंगे। आई बात समझ में सर? हाँ सर हाँ, ये तो बात सर समझ में आ गई सर। ये तो और अच्छा लगा हमें, जो फिनिश गुड्स में तो आपने इतने सारे टेक्निकल वर्ड की बात किया था, यहाँ तो कुछ टेक्निकलिटी है ही नहीं, बस फिनिश गुड्स का सेल देख लो प्रॉफिटेबल है या नहीं, अगर प्रॉफिटेबल है तो ठीक, नहीं तो फिर आप इस तरीके से उसको वैल्यू करेंगे। आई बात समझ में सर? हाँ सर, ये हो गया। मुझे ना एक एग्जाम्पल यहाँ पे और कराना मेरे बच्चे, एक एग्जाम्पल और कराना है। लिखो जरा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, इसी के ऊपर में एग्जाम्पल नंबर 3 ब्लू से नहीं लिखूंगा, ये पेन हाथ में आ गया था, मार्कर 3rd लिखो यहाँ पे। कहता है कि फिनिश गुड्स यहां लिखेंगे कॉस्ट और यहां पे लिखेंगे आपका मार्केट प्राइस। कहता है कि कॉस्ट जो है फिनिश गुड्स का ये कहता है कि 2 लाख का अमाउंट और मार्केट प्राइस कहता है भी 2 लाख रुपीज। फिर कहता है आपका यहां पे स्टॉक आपका था। अब लिखो स्टॉक जो आपका है ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमारे रॉ मटेरियल है वो कहता है यहां पे मान लो 1,20,000 और यहां कहता है 1,10,000 मार्केट प्राइस यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कहता है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक, आपको स्टॉक की वैल्यू निकालनी है दोनों की। सॉल्यूशन में पहले आओ जरा, वैल्यू ऑफ हम स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालते हैं। फिनिश गुड्स जरा बताओ, फिनिश गुड्स में हम क्या कंपेयर करेंगे? कॉस्ट एंड दूसरा एनआरवी। कॉस्ट कितना है सर? 2 लाख। एनआरवी कितना है सर? एनआरवी 2 लाख है सर, 2 लाख आपका है, क्योंकि कोई कमीशन तो बता नहीं रहा है। तो बताओ इन दोनों में लोअर क्या होगा सर? कोई सवाल ही नहीं बनता लोअर का, दोनों सेम ही है। 2 लाख का अमाउंट, 2 लाख की वैल्यू आ गई। अब मुझे वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो आप शब्दों पर टिके रहना, बस शब्दों पर टिके रहना। मुझे बताओ कि क्या सेल ऑफ फिनिश गुड्स प्रॉफिटेबल है क्या? क्या प्रॉफिटेबल है क्या? नहीं सर, नहीं प्रॉफिटेबल नहीं है। 2 लाख का सामान 2 लाख में ही बेचूंगा तो क्या प्रॉफिट कमाऊंगा सर? क्या प्रॉफिट कमाऊंगा?
सर प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं है यानी कि दूसरे वाले में चला गया, फिर हम क्या करेंगे, जो स्टॉक की वैल्यू करेंगे मेरे बच्चे, एक तरफ इनका कॉस्ट प्राइस और एक तरफ इनका रिप्लेसमेंट। अगर प्रॉफिटेबल होता ना तब तो कॉस्ट पे, जब वो प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे। आपका कॉस्ट कहता है कि 120 है और आपका यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहता है कि 110 है, तो बताओ जरा लोअर क्या निकल के आ गया आपको यहाँ पे, 110,000, ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया। होगी बात है, यही तो बात निकल के आएगी। आई बात समझ में सर? हाँ सर, हाँ अब हमें सर समझ में आ गया, ये सर दिमाग में हमारे सवाल आ रहा था, लेकिन आपने अच्छा किया कि करा दिया आपको यहाँ पे। ठीक है बच्चे, मैंने कहा ना मेरे आंखें, मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है, आप जो सोचते हो मेरे दिमाग में आ जाता है, आप चिंता ना करो। अब जरा आ जाओ लास्ट में, हमारे पास क्या है कि एस के लास्ट में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि इस एस से जुड़ा हुआ हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लिखेंगे आपको यहां पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में, नंबर वन, एक तो आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्ट किया है, आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट किया है इन मेजरमेंट ऑफ क्या जी, इन्वेंट्रीज को आपने कैसे मेजर किया है वो आपको बताना पड़ेगा। आपने कॉस्ट फॉर्मूला आपने क्या यूज किया है, अभी कॉस्ट फॉर्मूला जो फीफो था, वेटेड था, क्या आपने यूज किया वो बताना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन अभी करेंगे बच्चे आपका, है ना, ये आपको बताना पड़ेगा एक तो। और नंबर टू में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा टोटल कैरिंग अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट कितना है ऑफ इन्वेंट्रीज, हमारे जो इन्वेंट्रीज है उनका कैरिंग अमाउंट कितना आपका है। एंड लिखेंगे यहां पे नंबर थ्री में इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज का मतलब हो गया आपको बताना होगा कि वो फिनिश गुड्स है, WIP है, रॉ मटेरियल है, क्या है आपका। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमें तीन बातें डिस्क्लोज करनी पड़ती है, एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या फॉलो किया है, वो कॉस्ट टेक्निक क्या यूज किया, कॉस्ट फॉर्मूला आपने क्या लगाया, कैसे स्टॉक को वैल्यू किया बताना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट यानी कि उसकी वैल्यू कितनी आपने लगाई वो बताना पड़ेगा, और आपका डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन है इन्वेंट्री का, क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया वो रॉ मटेरियल है या फिर वो आपका WIP है या फिर आपका फिनिश्ड गुड्स है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे, उनको लूज टूल्स है, स्पेयर पार्ट्स है, ये सारी बातें आपको बताना होगा डिटेल में कि क्या क्या आपके आइटम्स में इन्वेंट्रीज में मिले हुए हैं। आई बात समझ में? बात समझ में आई बच्चे? सर हाँ सर, सर ये तो बात सर समझ में आ गई मेरे बच्चे। आज फिर हम क्लास को यहीं पर रोकेंगे। मैंने इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन के अंदर में एस टू रिवाइज क्या क्या बोलता हूँ सारी बातें मैंने आपको बताई, सारी बातें समझाई, लेकिन अभी एस खत्म नहीं हुआ है, हम इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। अभी आपका जो कॉस्ट फॉर्मूला पे आपका फीफो वेटेड क्या बोलता है वो सारी बातें, परपेचुअल होता है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होते हैं, वो सब क्या होते हैं, सब अगली क्लास में डिस्कशन करूंगा, और वो भी टिपिकल क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं, ताकि आप फुल्ली यहाँ पे स्ट्रांग हो जाए। चलिए तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, नेक्स्ट टाइम मिलते बच्चे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आप सबको बाय बाय टाटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।